गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर जेआईएनसी परिवार में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और एक बार फिर जेआईएनसी ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे भी आपका हार्दिक स्वागत है। फटाफट लिंक को शेयर करें, एक नई जर्नी स्टार्ट करते हैं। अगेन एक बार आप सभी को फिर से गुड इवनिंग। आपका इंतजार देख के दिल खुश हो जाता है कि आप फिक्स शार्प 6 o'clock क्लास के लिए रेडी रहते हो। साथ साथ में लाइक करना ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसपे 3 to 4 कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। फंडामेंटल ऑलवेज इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है किसी भी सिलेक्शन के लिए। फंडामेंटल का आज नेक्स्ट कड़ी में वाइटल साइन आज हम पढ़ेंगे। वाइटल साइन के बाद में हॉस्पिटल पढ़ेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूशन पढ़ेंगे, बहुत सारे ऐसी चीजें हम डिस्कस करने वाले जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन आप लोगों के लिए है, ये लाइन जो दिख रही है आप लोगों के लिए है कि सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। यही एक्सपेक्टेशन है मेरे सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से कि कभी हार नहीं माननी, सारी दुनिया जो भी कहे लेकिन दिल की जरूर सुनना। और दिल कभी हारने नहीं देगा, क्यों? आपका दिल जेएनसी परिवार से जुड़ा हुआ है और जिस परिवार से आप बिलोंग करते हो उन्होंने कभी हार मानना सीखा ही नहीं है, उनके जहन में कभी हार मानना लिखा ही नहीं है। हमेशा कुछ कर गुजरने की उनकी सोच होती है, जेएनसी टीम की भी यही सोच है। तो इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सिलेक्शन के और करीब जाते हुए एक बार फिर एक शानदार टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक अपना रहेगा वाइटल साइन। देखिए, वाइटल दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। आपके बॉडी में 5 वाइटल ऑर्गन पड़ते हैं और उनको लगातार मॉनिटराइज करने के लिए जो पर्टिकुलर साइन इंडिकेट करते हैं दैट वी आर गोइंग टू सी वाइटल साइन। तो फटाफट लिंक को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना ना भूलें। आपकी मुस्कान, आपकी एनर्जी और आपका कंसिस्टेंसी को मैं सलाम करता हूं। आई रियली यू आर डूइंग वेरी नाइस वर्क फॉर कमिंग नॉर्सेट 2020। ओके फाइन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वाइटल साइन। देखिए बच्चों, पहला कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन आपको डेफिनेशन में मिला है। पहला कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपके सामने है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन आपके सामने है। वाइटल साइन को हम कार्डिनल साइन या ऑब्जेक्टिव डाटा बोलते हैं। देखिए बच्चों, मैंने आपको नर्सिंग प्रोसेस में पढ़ाया था लास्ट क्लास में, यहाँ ऑब्जेक्टिव डाटा टर्म्स आया है और ये पहला कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन इस टॉपिक का हम लेके चल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव डाटा का दूसरा नाम है ओवर्ट डाटा। दूसरा नाम क्या बच्चों? ओवर्ट डाटा हमने पढ़ा था। और ऑब्जेक्टिव डाटा का मतलब होता है व्हाट वी आर ऑब्जर्व। गेट इट एवरीवन? ऑब्जेक्टिव डाटा का मतलब हम जो ऑब्जर्व करें। और वाइटल साइन वन ऑफ द की टू एनालाइज पेशेंट हेल्थ स्टेटस। तो अपन जब वाइटल साइन को मॉनिटर करते हैं तो ये डाटा कौन कलेक्ट कर रहा है? हम कलेक्ट कर रहे हैं। दैट मींस व्हाट वी आर ऑब्जर्व, दैट इज ऑब्जेक्टिव डाटा। ये यहां पर पहला कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन आपको मिल चुका है इस टॉपिक में। धीरे धीरे हम इस टॉपिक में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हर उस कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हुए टच करते हुए आगे जाएंगे। आई होप बहुत मजा आने वाले 2 hours की जर्नी में। बिल्कुल कूल माइंड से पढ़ना है, रिलैक्स होकर पढ़ना है। आपके हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन तक हम पहुंचने की कोशिश करें। जब टॉपिक फिनिश होता है तो आपको लगना चाहिए कि हाँ, आज मजा आ गया, आज कुछ मैंने पढ़ा है। ओके फाइन, हम स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यू के साथ में। और पहला ही एमसीक्यू मैंने आपको पुट किया है, कंसिडर द फिफ्थ वाइटल साइन। पहला ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन मैंने पुट किया है कि हम फिफ्थ वाइटल साइन किसको कंसिडर करेंगे। फटाफट आप आंसर लिखिएगा, फटाफट आंसर देना ना भूले, आंसर पुट करना ना भूले। व्हाट इज द नेम ऑफ फिफ्थ वाइटल साइन। ये कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा हुआ एमसीक्यू है, कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नेम ऑफ फिफ्थ वाइटल साइन। फटाफट आंसर पुट करिएगा। मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट एक साथ डिस्प्ले करता हूं। पुट इट एवरीवन। What is the name of fifth vital sign? सभी बच्चे सही पुट कर रहे हैं। और ये
ये आपका जो क्वेश्चन है आने वाला नॉर्थ सेट 2020 का एमसीक्यू है, नॉर्थ सेट 2020 का एमसीक्यू बच्चों, बहुत बढ़िया। देखिए यहां पर बहुत सारी चीजें हम शॉर्टली डिस्कस करेंगे। मैंने पूछा है कि फिफ्थ वाइटल्स का नाम, देखिए बच्चों वाइटल साइन का मतलब होता है ये आपके बॉडी के वो वाइटल ऑर्गन, जैसे आप पढ़ते हो हार्ट, जैसे आप पढ़ते हो हार्ट, देन माय डियर किडनी, देन लिवर, देन बच्चों लंग्स, देन बच्चों ब्रेन। ये आपके बॉडी में पांच वाइटल ऑर्गन होते हैं, फाइव वाइटल ऑर्गन होते हैं, और इन वाइटल ऑर्गन में कुछ भी चेंजेस होता है, इन वाइटल ऑर्गन में कुछ भी वेरिएशंस आता है, ये वेरिएशन जो रिफ्लेक्शन होता है इन पैरामीटर के द्वारा, तो टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, एंड वी कैन से पेन, वी कैन से पेन। बहुत बढ़िया। अब मैं बताना चाहूंगा आपको वाइटल साइन तो आपने देख लिया, फिफ्थ वाइटल साइन, ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का बच्चों, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कमिंग एग्जाम। ओके फाइन, अदर वाइटल साइन क्या हो सकते हैं? प्यूपिल साइज और रिएक्शन। देखिए हमने आई में पढ़ा था, हमने आई में पढ़ा था प्यूपिल साइज और रिएक्शन। प्यूपिल का साइज मैंने आपको बताया था 2 to 6 mm। देखिए बच्चों प्यूपिल का साइज जो है उसका डायमीटर 2 to 6 mm का होता है। प्यूपिल का साइज और प्यूपिल का रिएक्शन विल बी कमिंग वाइटल साइन, ये आने वाले टाइम का वाइटल साइन है। यहां मैंने लिखा फिक्स्ड dilated pupil, it is the best indicator to indicate immediate death. This is your competitive exam question बच्चों। क्वेश्चन आएगा कि कौन सा बेस्ट इंडिकेटर है, इंडिकेट करता है इमीडिएट डेथ को, कौन सा बेस्ट इंडिकेटर है जो इंडिकेट करता है इमीडिएट डेथ को, तो आपको आंसर क्या लिखना, फिक्स और डायलेटेड प्यूपिल। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन 2 to 3 times they are asking। उसके अलावा स्किन कलर, देखिए अगेन कमिंग वाइटल साइन बता रहा हूं मैं आपको, स्किन कलर, उसके अलावा लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस, उसके अलावा लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस वन ऑफ द फर्दर, वन ऑफ द कमिंग वाइटल साइन। देन माय डियर ऑक्सीजन सेचुरेशन, देखिए मोर देन 95% जो है इन्फेंट चिल्ड्रन अडल्ट में नॉर्मल, मैंने कई बार आपको बताया था कई जगह 96 to 100% लिखा है, दैट ऑल्सो करेक्ट, दैट ऑल्सो करेक्ट। देन उसके अलावा नियोनेट का नॉर्मल O2 सेचुरेशन जो है मोर देन 91% है, और साइनोटिक हार्ट डिजीज, अभी आपने मॉर्निंग में रिसेंटली पढ़ा होगा साइनोटिक और एसाइनोटिक हार्ट डिजीज, साइनोटिक हार्ट डिजीज में नॉर्मली मोर देन 60% दैट इज द नॉर्मल O2 सेचुरेशन। एक यार वर्ड यूज किया बच्चों मैंने, लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस, शॉर्टली आपका बताऊंगा इसमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कॉन्सियसनेस क्या होता है। देखिए आपने सुना है अनकॉन्सियसनेस बच्चों, अनकॉन्सियसनेस, देखिए अनकॉन्सियसनेस जो है, और एक टर्म्स मैंने बताया था कोमा, एक टर्म्स हम पढ़ते हैं कोमा, छोटा सा वेरिएशन, लिटिल बिट वेरिएशन है, यहां कंफ्यूजन नहीं होना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। थैंक्स इंडिया ट्रस्ट ऑन जेएनसी वर क्रॉस्ड 1000, लाइक करना ना भूले बच्चों, लाइक करना ना भूले, बहुत बढ़िया, लाइक, इट्स योर प्रायोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, अनकॉन्सियसनेस को मैंने बताया था ये क्या है बच्चों, ये स्टेट ऑफ माइंड है, किसकी कंडीशन है, माइंड की कंडीशन है, हमेशा याद रखना स्टेट का मतलब होता है कंडीशन, स्टेट का मतलब होता है कंडीशन, ये माइंड की वो कंडीशन है इन विच ध्यान से देखना बच्चों, इन विच पेशेंट इज अनेबल टू रिस्पॉन्स, पेशेंट इज अनेबल टू रिस्पॉन्स, अनेबल टू रिस्पॉन्स टूवर्ड्स एक्सटर्नल स्टिमुलाई, टूवर्ड्स एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ध्यान रखना बच्चों अनकॉन्सियसनेस माइंड की वो कंडीशन है जहां पर पेशेंट एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है, और ये जो कंडीशन है ये प्रेजेंट कब होगा, फॉर फ्यू सेकंड, देखिए बच्चों ये प्रेजेंट कब होगा, फ्यू सेकंड होगा, देन माय डियर फ्यू मिनट्स होगा, एंड आवर्स। ध्यान रखना इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, अनकॉन्सियसनेस, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अनकॉन्सियसनेस। Got it everyone? Unconsciousness का मतलब state of mind, mind की वो condition है in which patient is unable to respond to the external stimuli. Patient किसी भी external stimuli को respond नहीं कर पा रहा है, और ये condition कुछ second, कुछ minute और कुछ hours तक ही present होती है बच्चों, कुछ hours तक ही present होती है. Got it everyone? Okay fine. अब यदि अनकॉन्सियसनेस को ट्रीट नहीं किया तो पेशेंट कहां चला जाएगा बच्चों, कोमा में, पेशेंट कहां चला जाएगा, कोमा में। देखिए कोमा क्या है, कोमा को बोलते हैं स्टेट ऑफ अनकॉन्सियसनेस बच्चों, ध्यान से देखना, स्टेट ऑफ अनकॉन्सियसनेस मतलब कोमा अनकॉन्सियसनेस की वो कंडीशन है, कोमा अनकॉन्सियसनेस की वो कंडीशन है इन विच पेशेंट जो है अनअवेयर, पेशेंट अनअवेयर अबाउट,
अबाउट हिज और हर सेल्फ, हर सेल्फ एंड एनवायरमेंट, एंड एनवायरमेंट मतलब पेशेंट खुद के और एनवायरमेंट के बारे में अवेयर नहीं होगा, और ये जो कंडीशन है दैट विल बी प्रेजेंट, याद रखना बच्चों, डे, वीक, मंथ, इवन ईयर, इवन ईयर कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक और कुछ वीक तक और इवन कुछ सालों तक प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमा। दोनों में डिफरेंस याद रखना, अनकॉन्सियसनेस स्टेट ऑफ माइंड, कॉमा इट इज स्टेट ऑफ अनकॉन्सियसनेस, स्टेट ऑफ अनकॉन्सियसनेस। गॉट इट एवरीवन? थैंक यू इंडिया ट्रस्ट ऑन जेएनसी, वी आर क्रॉस्ड 1150, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। ओके, ये अपना कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि फिफ्थ वाइटल साइन हम किसको कंसीडर करते हैं बच्चों, फिफ्थ किसको कंसीडर करते हैं, दैट इज अ पेन, दैट इज अ पेन, दैट इज अ फिफ्थ वाइटल साइन, पेन दैट इज अ फिफ्थ वाइटल साइन। उसके अलावा तीन कॉम्पिटेटिव एग्जाम के और क्वेश्चन हम यहां शॉर्टली डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखना बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है, रूटीन वाइटल मेजर इन द सीक्वेंस ऑफ, क्वेश्चन को पढ़िएगा, रूटीन, रूटीन वाइटल मेजर इन अ सीक्वेंस ऑफ, सीक्वेंस ऑफ, मैं ऑप्शन क्रिएट कर रहा हूं आपको, ए में लिखा है टीपीआर बीपी, बी में लिखा है पल्स रेस्पिरेशन ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर, देन बच्चों सी में लिखा है रेस्पिरेशन पल्स टेम्परेचर ब्लड प्रेशर, और डी में लिखा है टीपीआर, टीपीआर बीपी, टीपीआर बीपी। फटाफट आप आंसर पुट करें, ए बी सी डी, ए बी सी डी। मैं एक क्वेरी पुट करता हूं, ये जो टीपीआर बीपी है, ये जो टीपीआर बीपी है, इसमें आप लिख सकते ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। अब मुझे ए बी सी डी में से आंसर पुट करेगा, ए बी सी डी में से आंसर पुट करिए, टीपीआर बीपी, फटाफट आंसर पुट गया, कौन सा राइट होगा, कौन सा राइट होगा, आपको मेंशन करना है कौन सा राइट को, रूटीन वाइटल साइन की बात करें, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी ने राइट आंसर पुट किया, टीपीआर बीपी। ये तो आप सबको रात को नींद में से उठा के भी कोई पूछेगा ना कि वाइटल साइन, तो तुरंत क्लिक होता है टीपीआर बीपी, क्योंकि यहां डियर नर्सेज अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानती है कि बस टीपीआर बीपी चेक करना नर्सिंग काफी है, काफी नहीं है। आजकल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम का लेवल जो आप देख रहे हो वो कहीं एमबीबीएस और एमडी से कम नहीं, आपका बहुत अच्छा कर रहे हो आप, यू हैव वेरी गुड नॉलेज, यू हैव वेरी गुड नॉलेज। तो एक तो ये कॉमन सी बात होगी कि सीक्वेंस पूछा जाए, कि रूटीन का मतलब होता है सुबह 8 बजे, फिर दोपहर को 2 बजे, शाम को 8 बजे, या सुबह 6 बजे, दोपहर को 12 बजे, शाम को 6 बजे, रात को 12 बजे। ये जो रूटीन चेकअप है, रूटीनली जब भी हम वाइटल साइन को मॉनिटर करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर देखते हैं, फिर पल्स देख रहे हैं, फिर रेस्पिरेशन देखते हैं, फिर ब्लड प्रेशर देखते हैं। गॉट इट एवरीवन? अब बात क्या आती है, अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है कि इमरजेंसी में वाइटल साइन मॉनिटर करना है, इमरजेंसी में वाइटल साइन मॉनिटर करना बच्चों, तो सबसे पहले क्या मॉनिटर करेंगे, यहां कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन बन गया। यहां क्या हो बच्चों, पहले हमने क्या देखा, पहले हमने देखा बच्चों पल्स, पहले हमने क्या देखा, पहले हमने पल्स देखा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि इमरजेंसी में, इमरजेंसी में वाइटल साइन को मॉनिटर करना है, तो सबसे पहले, सबसे पहले क्या देखेंगे, तो बच्चों आपको आंसर क्या लिखना है, पल्स। उसके पास रेस्पिरेशन ब्लड प्रेशर टेम्परेचर, किया क्या अपन है, टेम्परेचर को आगे से उठा के पीछे भेज दिया, इतना ही फर्क है। पल्स जो है, यदि पल्स प्रेजेंट ही नहीं है तो बीपी और टेम्परेचर से क्या करोगे, ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है। दे आर आस्किंग कि जब भी पेशेंट का रूटीन वाइटल साइन आप मेजर करते हो तो सबसे पहले क्या मॉनिटर करना, सीधा क्लिक होना चाहिए बच्चों, पल्स इज अ प्रायोरिटी, पल्स और टेम्परेचर हम लास्ट में चले जाएंगे। ओके, एक और क्वेश्चन मैं पुट करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि न्यू बॉर्न बेबी में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि न्यू बॉर्न बेबी में सबसे पहले क्या मॉनिटर करेंगे, तो याद रखना रेस्पिरेशन, याद रखना रेस्पिरेशन। गॉट इट एवरीवन? याद रखना अमृत राज पुरोहित, बेटा मैं बिल्कुल उन हर चीजों को बताऊंगा जो आप सोच रहे हो, आपकी साइकोलॉजी अकॉर्डिंग चल रहा हूं, आंसर आपके सामने। न्यूबॉर्न का आपने पूछा है और न्यूबॉर्न में क्लियरली संतोष जाट, सी दैट रेस्पिरेशन पहले होगा, पल्स होगा, टेम्परेचर होगा, ब्लड प्रेशर होगा। एनी क्वेरी, यू थ्री थिंग्स दे आर आस्किंग योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, रूटीन वाइटल साइन, इमरजेंसी वाइटल साइन और न्यूबॉर्न का पूछे। याद रखना रूटीन में टेम्परेचर पहले आता है, इमरजेंसी में पल्स पहले आता है और न्यूबॉर्न में रेस्पिरेशन पहले आता है, न्यूबॉर्न में रेस्पिरेशन पहले आता है। गॉट इट एवरीवन? 3 MCQ है, एक तो आएगा, एक बनता है NORSET 2020 में, आई होप दैट विल बी कमिंग। गॉट इट एवरीवन? ओके फाइन, विल गो फर्दर। आप सभी को एक बार फिर से वेरी गुड मॉर्निंग, सॉरी वेरी गुड इवनिंग, आप सभी को फिर से वेरी गुड इवनिंग।
बराबर बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, विल बी कैरी ऑन, विल बी कैरी ऑन, ओके फाइन। नेक्स्ट मैंने पुट किया बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इमीडिएट डेथ, अभी आपको बताया यहां पर मैं आपसे पूछ रहा हूं बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इमीडिएट डेथ। देखिए बच्चों ऑप्शन पुट कर रहा हूं, लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस, देन पुट किया है फिक्स्ड कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल, देन बच्चों उसके बाद सी में पुट किया है ऑक्सीजन सैचुरेशन, देन बच्चों डी में पुट किया, ध्यान से देखिएगा, फिक्स डायलेटेड प्यूपिल। पुट द राइट आंसर एवरीवन, फटाफट आपको राइट आंसर पुट करना है कि कौन सा बेस्ट इंडिकेटर है इंडिकेट करता इमीडिएट डेथ को, ए बी सी डी, गलत नहीं होना चाहिए। अगेन गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू इंडिया ट्रस्ट ऑन जेएनसी वर क्रॉस्ड 1300, लाइक करना ना भूले माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, लाइक करना ना भूले माय लविंग आर्मी मैन, लाइक करना ना भूले, यू हैव पोटेंशियल डू एनीथिंग। फटाफट आंसर पुट करिएगा, ए बी सी डी, पुट द राइट आंसर एवरीवन, पुट द राइट आंसर, फिक्स डायलेटेड प्यूपिल, बिल्कुल सही आंसर आपने पुट किया बच्चों, फिक्स डायलेटेड प्यूपिल। मैं शॉर्टली आपको यहां पर बताना चाहूंगा, क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करें वाइटल साइन में, सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेम्परेचर, ध्यान से देखना टेम्परेचर पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, तापमान। टेम्परेचर का मतलब होता है, ध्यान से देखना, टेम्परेचर का मीनिंग क्या होता है, द बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस। सिंपल वे में बोल सकते हो टेम्परेचर का मतलब होता है बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। द सिंपल मीनिंग ऑफ टेम्परेचर, द बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस, दोनों का बैलेंस कौन बनाए रखता है, तापमान। इसको हम हिंदी में तापमान भी बोल सकते हैं, दैट इज अ टेम्परेचर। अब इस पर क्या क्वेश्चन बनेगा उससे पहले मैं शॉर्टली कुछ रिव्यू पुट करना चाह रहा हूं। यहां मैंने लिखा बच्चों हीट रेगुलेटरी सेंटर, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। कभी कभी आपको हीट रेगुलेटरी सेंटर के नाम से पूछ सकते हैं, कभी कभी आपको थर्मो रेगुलेटरी सेंटर के नाम से पूछ सकते हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। हीट रेगुलेटरी सेंटर और थर्मो रेगुलेटरी सेंटर हम दोनों किसको बोलते हैं बच्चों, हाइपोथैलेमस को बोलते हैं। आपको याद होगा एंडोक्राइन सिस्टम में मैंने जब आपको हाइपोथैलेमस पढ़ाया था उस समय मैंने कहा था कि इज अ हार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, यू रिमेंबर एवरीबॉडी, हार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम मैंने आपको बताया था, दैट इज अ ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट योर बॉडी टेम्परेचर, ओके फाइन। अब क्या बात होती बच्चों कि कौन सा पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस हीट लॉस को रेगुलेट करता है, कौन सा पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस हीट प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस के दो पार्ट होते हैं, मैंने दोनों यहां मेंशन किए, दोनों एंटीरियर हाइपोथैलेमस और दूसरा लिखा बच्चों पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। देखिए एंटीरियर हाइपोथैलेमस जो है सेंसेस हायर टेम्परेचर होता है तो ये हीट लॉस को कंट्रोल करते हैं, याद रखना एंटीरियर हीट लॉस को पोस्टीरियर हीट प्रोडक्शन। ध्यान से देखना बच्चों ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है कि हाइपोथैलेमस का कौन सा पार्ट है जो हीट लॉस को रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस का कौन सा पार्ट है बच्चों जो हीट प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था, उस समय रेस्पिरेटरी रेगुलेटरी ऑर्गन आपको बताया था मेडुला ऑब्लिगेटा, वहां पर भी मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया था, या फिर से रिवाइज कर रहा हूं। देखिए बच्चों दो टर्म सुना होगा, एक आपने पढ़ा होगा थर्मोजेनेसिस, एक आपने पढ़ा होगा थर्मोलाइसिस। ये छोटे छोटे टर्म्स है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस का मीनिंग पूछ। अशोक कुमार बिल्कुल बजा, जिंक है तो मुमकिन है, थैंक यू सो मच। थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस की मैं बात कर रहा हूं बच्चों, देखिए थर्मोजेनेसिस का मतलब क्या होगा, हीट प्रोडक्शन, दैट इज अ इट इज, ध्यान से देखना बच्चों थोड़ा सा डिफरेंट है, इट इज केमिकल, ध्यान से देखना बच्चों केमिकल प्रोसेस, इट इज अ केमिकल प्रोसेस ऑफ हीट प्रोडक्शन, थर्मोजेनेसिस का मीनिंग एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो थर्मोजेनेसिस का मतलब होता है समथिंग विल बी प्रोड्यूस। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है, क्या बोला है, इट इज अ केमिकल, देखिए केमिकल प्रोसेस क्यों बोलता है, क्योंकि यहां फॉर एग्जाम्पल फूड मेटाबोलिज्म के बाद
हीट का प्रोटेक्शन होता है. फॉर एग्जाम्पल T3 और T4 का प्रोटेक्शन बढ़ने से हीट का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, सो बेसल मेटाबॉलिक बढ़ता है, तो हीट का प्रोटेक्शन होता है. तो याद रखना थर्मोजेनेसिस का मतलब इज अ केमिकल प्रोसेस ऑफ हीट प्रोटेक्शन. और वही यदि आपसे पूछे मीनिंग ऑफ थर्मोलाइसिस, वही आपसे पूछे मीनिंग ऑफ थर्मोलाइसिस, याद रखना दैट इज द इट इज अ फिजिकल प्रोसेस. ध्यान से देखना बच्चों, फिजिकल. ये क्यों मैं आपको बता रहा हूं, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कंडक्शन, कन्वेक्शन, इवापोरेशन और रेडिएशन. ये सारे मैकेनिज्म है वो स्किन से हीट लॉस के मैकेनिज्म है. और हमेशा हीट लॉस होने का तरीका क्या होगा, वो फिजिकल. इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ हीट लॉस. बच्चों हीट लॉस कंफ्यूज नहीं होना, हीट का प्रोडक्शन जो है केमिकल प्रोसेस है और हीट का लॉस जो थर्मोजेनेसिस है वो फिजिकल प्रोसेस है, वो फिजिकल प्रोसेस है. ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है. अनिल लव यू टू माय डियर, थैंक यू सो मच. ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है कि थर्मोजेनेसिस का मीनिंग क्या होता है, थर्मोलाइसिस का मीनिंग क्या होता है. गॉट इट एवरीवन, थैंक यू इंडिया ट्रस्ट ऑन जेएनसी, यू आर क्रॉस्ड 1400. क्या बात है, इतना स्नेह और प्यार, इतना भरोसा बनाए रखने के लिए आप सभी का शुक्रिया. इसी तरीके से जयंसी परिवार के साथ जुड़े रहें और आने वाला समय आप सबका होगा, आने वाला वक्त जो है वो आप सबका होगा. ओके फाइन, टेम्परेचर पे क्या क्वेश्चन बनते हैं शॉर्टली हमने देखा. अब फर्दर मैं कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पस यदि बताऊं, कुछ क्वेश्चन यहां डिस्कस करता हूं. द मैकेनिज्म बाई विच ट्रांसफर ऑफ हीट डायरेक्टली थ्रू ए सब्सटेंस फ्रॉम हॉट पार्ट टू कोल्ड पार्ट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं. The mechanism by which transfer of heat directly through substance from hot part to cold part. ध्यान से देखना, hot part to cold part directed. मैंने part का पूछा, hot part और cold part directed contact. Direct contact is called. क्या बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे. Convection, conduction, convection, conduction, then evaporation or radiation. Evaporation or radiation. फटाफट आंसर पुट करेगा, फटाफट आंसर पुट करेगा. ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से बनता है. मैं चारों मैकेनिज्म और चारों मैकेनिज्म के द्वारा कितना हीट लॉस होता है वो भी आपको बताऊंगा. यहां एक क्वेश्चन बनता है, यहां एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन बनता है मैकेनिज्म से, कि कौन कौन सा मैकेनिज्म हीट लॉस करने में रोल प्ले करता है और कितना परसेंट हीट लॉस करता है, कितना परसेंट मैक्सिमम कौन करता है, मिनिमम कौन करता है. इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछेगा. फटाफट आंसर लिखिए. क्लियर पुट कर रहा हूं, मैंने डायरेक्ट कॉन्टेक्ट की बात करी. डायरेक्ट कॉन्टेक्ट की बात जब भी आती है तो हीट लॉस होने में कौन सा मैकेनिज्म, ए बी सी डी. देखिए बच्चों, ज्यादातर बच्चे यहां पर कंडक्शन लिख रहे हैं. ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर दो. ज्यादातर बच्चों ने आंसर गलत दिया है, ज्यादातर बच्चों ने आंसर गलत दिया है. मैकेनिज्म बाय हीट ट्रांसफर ऑफ डायरेक्ट थ्रू द सब्सटेंस फ्रॉम द हॉट पार्ट टू द कोल्ड पार्ट. यस, अब आपका आंसर सही आने लगा, अब आपका आंसर सही आने लगा. कंडक्शन, यस दैट आई वांट, दैट आई वांट. देखिए कंडक्शन और रेडिएशन में यही डिफरेंस है, कंडक्शन और रेडिएशन में यही डिफरेंस है. बच्चों मैं बताना चाहूंगा चारों मैकेनिज्म कितने इंपॉर्टेंट है, चारों मैकेनिज्म कितने इंपॉर्टेंट है, दैट यू कैन सी एवरीवन. पहले मैंने यहां पर पुट किया है, सबसे पहले क्या पुट किया बच्चों, ध्यान से देखना. मैं मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं और चारों मैकेनिज्म कितने इंपॉर्टेंट है That we are going to see. मैं चारों मैकेनिज्म की मीनिंग आपको बताना चाहता हूं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पस से इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पस से काफी इंपॉर्टेंट है. क्या रेडिएशन से कितना प्रतिशत हीट लॉस होता है, कंडक्शन से कितना प्रतिशत लॉस होता है. यू कैन सी एवरीवन, दैट यू कैन सी एवरीवन. यहां मैंने पूछा कि मैक्सिमम लॉस ऑफ हीट बाई, और आंसर दिया मैंने रेडिएशन, आंसर दिया रेडिएशन, कि मैक्सिमम जो हीट है वो कहां से लॉस होता है, तो आंसर क्या दिया बच्चों, रेडिएशन. ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का 60%, दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन. मैं यहां मैक्सिमम भी बताऊंगा बच्चों, मिनिमम भी बताऊंगा. देखिए रेडिएशन से हीट ट्रांसफर होने का तरीका बता रहा हूं. ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू द अनदर, सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू द अनदर. यहां मैंने पुट किया है रेडिएशन से हीट लॉस होने का कारण क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर. मतलब दो ऑब्जेक्ट जो है उन दोनों के सरफेस के द्वारा हीट लॉस हो रहा है. व्हेन दे कम्स टुगेदर सरफेस के द्वारा हीट लॉस हो रहा है. मतलब दो आपके पास एक हॉट और कोल्ड सब्सटेंस है, टच नहीं करें बट कम्स टुगेदर. एक एग्जांपल मैंने यहां पर दिया है, द सन हीट द ग्राउंड, द सन हीट द ग्राउंड. मतलब क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट जो है टच नहीं है बट कम्स टुगेदर, दैट लॉस ऑफ हीट
दैट इज अ रेडिएशन, दैट इज अ रेडिएशन। और मैक्सिमम मैक्सिमम हीट लॉस, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है मैक्सिमम हीट लॉस, तो आंसर क्या लिखना है? रेडिएशन। ओके फाइन। कंडक्शन अभी आपने देखा, मैं कंडक्शन के बारे में शॉर्टली और बताना चाहूंगा। कंडक्शन यहां पर पुट किया है, ट्रांसफर ऑफ हीट डायरेक्टली थ्रू द सब्सटेंस फ्रॉम हॉट पार्ट टू कोल्ड पार्ट, और ये लगभग कितना प्रतिशत लॉस होता है? 3%। मतलब दो ऑब्जेक्ट है, एक हॉट है एक कोल्ड है, दोनों को टच किया और दोनों को टच होने के बाद जो वहां से हीट लॉस होता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट की वजह से जो हीट लॉस होता है, वो कौन सा प्रोसेस है? कंडक्शन। इजी टू रिमेंबर, कंडक्शन के जस्ट ऑपोजिट कौन होगा? रेडिएशन। कंडक्शन में 3% हीट लॉस होता है। मैं बताना चाहूंगा मिनिमम हीट लॉस पूछेंगे, सबसे कम पूछेंगे कि मिनिमम हीट लॉस किसमें होता है, तो आपको आंसर क्या लिखना बच्चों? आपको आंसर क्या लिखना? दैट इज अ कंडक्शन। आपसे एग्जाम में मिनिमम हीट लॉस का पूछे तो आपको आंसर क्या लिखना बच्चों? दैट इज अ कंडक्शन। गॉट इट एवरीवन? दैट इज अ कंडक्शन। गॉट इट एवरीवन? आई विजिबल? आई थिंक सम टेक्निकल एरर इज देयर। I will see. Don't worry, हम टॉपिक को कैरी ऑन करेंगे, टॉपिक को वहीं से कंटिन्यू करेंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें, बिल्कुल निश्चिंत रहे। वी विल गो एज यूजुअल, जहां हम खड़े हैं वहीं से टॉपिक को कैरी ऑन करेंगे, वहीं से टॉपिक को कैरी ऑन करेंगे। आई थिंक इट विजिबल फॉर एवरीवन। Okay, I think something will be happen. Are you watching me? Say yes or no. If are you watching, say yes or no. Say yes or no. कुछ टेक्निकल इश्यूज यहाँ पर आया होगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, हम इस टेक्निकल इश्यूज को मिनिमाइज करके आगे बढ़ेंगे। और हमेशा होता है कि जब आप कोई अच्छा काम करते हो, तो दुनिया परेशान हो जाती है, और उस परेशानी का एक नवाब तरीका आपके सामने है। कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा है, हम उसको मिनिमाइज करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आज पढ़ने वाले हैं, हम रुकने वाले नहीं है और हम कैरी ऑन करेंगे। या इट इज विजिबल। यस, आर यू हियरिंग? कैसे हुआ आई डोंट नो, बट समथिंग विल बी हैपन। ओके। नाउ इज ओके एवरीथिंग? Can you put yes, all my loving fighters? Say yes, it is okay? Okay, fine. We'll be carry on. यहां पर मैंने आपको दो चीजें बता दी, कंडक्शन और रेडिएशन का डिफरेंस बताया। कंडक्शन का मतलब होता है जब दो सरफेस टच होकर के हीट लॉस होता है, 3% होता है। रेडिएशन का मतलब होता है दो सरफेस कम्स टुगेदर बट विदाउट टचिंग, बिना टच हुए जब हीट लॉस होता है, वो मैक्सिमम हीट लॉस को इंडिकेट करता है, ओके फाइन। अब यहां पर कन्वेक्शन और इवापोरेशन बहुत इजी है। देखिए, कन्वेक्शन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द सर्कुलेटिंग ऑफ एयर, दैट मींस माय डियर कन्वेक्शन। और मैंने इसका एग्जांपल पुट किया है, ये 15% हीट को लॉस करता है और हीट एक्सचेंज इन है इन्फेंट इंक्यूबेटर। मैं दिखाऊंगा आपको बच्चों, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। लास्ट मिल का इवापोरेशन, इवापोरेशन है सब्सटेंस इन लिक्विड स्टेट चेंजेस टू द वेपर, मतलब हीट जो है वो वेपर के द्वारा लॉस हो रहा है और ये लगभग 22% होता है बच्चों, होता है। देखिए ध्यान से देखना, ये तीन छोटी छोटी चीजें मैंने आपको डिस्कस की, चौथा रेडिएशन बताया, तो चार मैकेनिज्म हीट लॉस होने का, मैक्सिमम रेडिएशन के द्वारा, मिनिमम कंडक्शन के द्वारा, उसके अलावा कन्वेक्शन और इवापोरेशन दो और एग्जांपल है, ओके माय डियर, विल गो फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहां पर एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जो कई बार पूछा जा चुका है, जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आई होप कि यू आर एबल टू गिव आंसर, आई होप यू आर एबल टू गिव आंसर। फटाफट मुझे इस मशीन का नाम बताइएगा। ये एम्स दिल्ली का फेवरेट एमसीक्यू है, ये एम्स दिल्ली का फेवरेट एमसीक्यू है। आंसर पुट करेगा द डिवाइस, व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस, व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस, व्हाट इज द सर्कुलेशन ऑफ एनवायरमेंट। ओके फाइन, व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस, पुट इट एवरीवन, व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस, फटाफट आंसर पुट करिएगा। इस डिवाइस का नाम पूछा मैंने आपसे, डिवाइस का नाम पूछा है, फोटोथेरेपी नहीं है, फोटोथेरेपी नहीं है बच्चों, फोटोथेरेपी नहीं है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, मैंने अभी एग्जांपल दिया था, अभी आपको एग्जांपल, यस दैट आई वांट, यस दैट आई वांट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस बार ट्रैक पे हो, इस बार बिल्कुल ट्रैक पे हो। इसको हम कन्वेक्शन के एग्जाम्पल मानते हैं और इन्फेंट इंक्यूबेटर बोलते हैं बच्चों, इन्फेंट इंक्यूबेटर बोलते हैं। ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है, द डिवाइस विल बी पुट, क्यों यूज करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं, ये भी बता देता हूं, टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया इन प्रीमैच्योर बेबी या लो बर्थ वेट बेबी। मैं बार बार आपको बता रहा हूं बच्चों, हाइपोथर्मिया को हम क्या बोलते हैं, साइलेंट किलर। हाइपोथर्मिया को हम क्या बोलते हैं, इसको हम साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं, साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। और जब बेबी मदर के वूम से बाहर आता है ड्यूरिंग डिलीवरी, जब बेबी मदर के वूम से बाहर आता है तो प्रायोरिटी वहां होती है टेम्परेचर को मेंटेन करना, और टेम्परेचर को मेंटेन करने का सबसे बेस्ट वे है, बेबी को कहां पुट करते हैं हम लोग, इंक्यूबेटर में पुट करते हैं। और इंक्यूबेटर पुट करने के बाद बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन होगा। दो तरह का बेबी हम यूज कर सकते हैं इसमें, एक तो प्रीमेच्योर बच्चे को पुट कर सकते हैं, एक लो बर्थ वेट वाले बच्चे को पुट कर सकते हैं। याद रखना ये दिल्ली एम्स का एमसीक्यू है, दिल्ली एम्स का एमसीक्यू बच्चों, याद रखिएगा। यस साइलेंट किलर इसको कहा जाता है, साइलेंट किलर को कहा जाता है, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का, बिल्कुल सही आंसर। ओके फाइन, हम नेक्स्ट कैरी ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। रेक्टल टेम्परेचर रीडिंग ऑफ ए पेशेंट इज 99.8, रेक्टल टेम्परेचर रीडिंग इज पेशेंट 99.8 फारेनहाइट, द बॉडी टेम्परेचर बाय ऑरल मेथड वुड बी, ऑरल मेथड से कितना उसका रीडिंग होगा, पुट द राइट आंसर। यदि रेक्टल का 99.8 डिग्री फारेनहाइट है तो ऑरल का कितना होगा बच्चों, ऑरल का कितना होगा, पुट द राइट आंसर, पुट द राइट आंसर। यस बहुत बढ़िया, राइट आंसर पुट करना ए बी सी डी, ए बी सी डी। मैं कुछ हिंट देता हूं आपको, आई होप कि आपको समझ में आएगा। देखिए बच्चों, यदि हम माउथ की बात करें, माउथ की बात करते हैं, वो माउथ के टेम्परेचर जो रीडिंग होगा, माउथ के टेम्परेचर की जो रीडिंग होगा, उस साइड की जो रीडिंग होगा, उसमें याद रखना नो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं करना है, एज इट इज, एज इट इज जो रीडिंग आपको मिली है उसी को पुट करना है। वही हम यदि बात करें बच्चों रेक्टम की बात करें, तो मैं बताना चाहूंगा रेक्टम में हम रीडिंग में क्या करेंगे, माइनस वन। रेक्टम में हम रीडिंग में क्या करते हैं बच्चों, हम माइनस वन करते हैं, क्या करते हैं, माइनस वन करते हैं। और वही यदि मैं बात करूं एक्जिला, वही यदि मैं बात करूं बच्चा एक्जिला की बात करूं, तो एक्जिला की जो रीडिंग होगा, एक्जिला की जो रीडिंग होगा उसमें हम क्या करते हैं बच्चों, प्लस वन करते हैं, क्या करते हैं, प्लस वन करते हैं। अब मुझे आप फटाफट आंसर दें, ज्यादातर बच्चों ने राइट आंसर पुट किया, ज्यादातर बच्चों ने राइट आंसर पुट किया। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, रेक्टल टेम्परेचर रीडिंग चेक करें पेशेंट का, तो आपको 99.8 मिला है। उसी पेशेंट का यदि हम, उसी पेशेंट का यदि हम ऑरल मेथड से चेक करेंगे तो रीडिंग कितना होगा, रीडिंग कितना होगा, यहां इस क्वेश्चन को समझिएगा। रेक्टम में माइनस वन करते हैं, एक्जिला में प्लस वन करते हैं, और माउथ में कोई चेंजेस नहीं करता, तो डेफिनेटली रीडिंग आपको कितना मिला, 99.8 मिला, माइनस वन किया तो 98.8 आया, मतलब ये रीडिंग इस पेशेंट का है। तो ऑरल का कितना होगा बच्चों, माउथ का कितना होगा बच्चों, फटाफट आंसर पुट करिएगा, फटाफट आंसर पुट करिए, शाबाश शाबाश, इतना इजी एमसीक्यू बच्चों। ये ध्यान से देखना, कुछ भी, कुछ बच्चे अभी भी गलत कर रहे हैं, कुछ डियर नर्सिंग ऑफिसर्स अभी भी गलत कर रहे हैं। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, प्लस कहां होता है, माइनस कहां होता है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, प्लस का होता है, माइनस का होता है, एग्जाम में पूछा जाएगा। बिल्कुल सही आंसर बी, यस विल गो फर्दर, आप सभी लोगों ने सही आंसर पुट किया है, क्योंकि माउथ के ऑरल जो रीडिंग होगा उसमें नो चेंज होगा, रेक्टम की रीडिंग में माइनस वन होगा, एक्जिला की रीडिंग में प्लस वन होगा। गॉट इट एवरीवन, ओके फाइन, विल गो फर्दर। नेक्स्ट देखते हैं अपन, कन्वर्ट 104 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर इनटू द सेल्सियस। देखिए 104 डिग्री फारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, फटाफट फटाफट, एस के पंडित लव यू टू डियर, फटाफट
कन्वर्ट करके आंसर पुट करिएगा। आप यहां पर आंसर पुट करिएगा ए बी सी डी राइट क्या होगा, फॉर्मूला यूज करिएगा। मैं आपको टू टू थ्री मिनट्स दे रहा हूं। क्वेश्चन को पढ़े फटाफट नोटबुक में, कन्वर्ट करें और आंसर पुट करें, कन्वर्ट करें आंसर पुट करें। डू इट एवरी वन, डोंट बी कॉपी एंड पेस्ट, डू इट एवरी वन। थोड़ा मेहनत कर लीजिए बच्चों, फटाफट फॉर्मूला पुट करें। फॉर्मूला पुट करने के बाद में आंसर लिखना है कि 104 डिग्री फारेनहाइट को जब सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो कितना सेल्सियस आएगा, तो कितना सेल्सियस आएगा। राइट, कैलकुलेट एंड पुट द राइट आंसर बच्चों, कैलकुलेट। कॉपी पेस्ट नहीं करना है, एग्जाम में कोई मदद करने नहीं आएगा, वहां खुद को ही करना पड़ेगा। कंचन वेरी गुड इवनिंग डियर, वहां खुद को ही करना पड़ेगा। थैंक यू इंडिया ट्रस्ट ऑन जेएनसी वर क्रॉस 1400, बहुत बढ़िया, ऐसे ही भरोसा बनाए रखिएगा। लाइक करना ना भूलें। यस, एकता गौतम, गणेश, सुप्रिया, तेजाराम, पिंकी, आप लोगों ने सबने कलेक्ट किया है और काउंट करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद आप सबने राइट आंसर पुट किया है। बिल्कुल सही, आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है बच्चों, एब्सोल्युटली करेक्ट है। ये वो एमसीक्यू है जिसका आंसर एग्जाम हॉल में बैठे बैठे आप कंफर्म कर सकते हो कि मेरा आंसर 100% राइट है। ऐसे क्वेश्चन बाकी नहीं मिलते। ये वो क्वेश्चन है जिसको आप श्योरिटी से कह सकते हो, श्योरिटी से कह सकते हो कि मेरा आंसर जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। मैं दोनों फॉर्मूला को फटाफट डिस्प्ले कर देता हूं। यदि हम कन्वर्ट करते हैं फारेनहाइट टू सेल्सियस, यही मैंने आपको यहां पर पूछा, हमेशा याद रखना यहां पर फारेनहाइट से सेल्सियस में जब भी कन्वर्ट करते हैं तो एफ माइनस 32 आता है, मतलब जहां वैल्यू ज्यादा दिख रहा है। हम ये याद रखने का तरीका बता रहा हूं, जहां वैल्यू ज्यादा है वहां माइनस 32 करना है, जहां वैल्यू कम होगा वहां प्लस 32 करना। बिल्कुल सही बच्चों, प्लस 32 करना है। तो f माइनस 32 डिवाइडेड 5 बाई 9, इसका जस्ट ऑपोजिट पढ़ेंगे हम लोग, इसका जस्ट ऑपोजिट पढ़ेंगे। जहां सेल्सियस टू फारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, यू कैन सी एवरीवन, द कन्वर्ट सेल्सियस टू फारेनहाइट और फॉर्मूला बदल गया, c सेल्सियस इंटू 9 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। कम वैल्यू में 32 प्लस करना है, ज्यादा वैल्यू में 32 माइनस करना है। ज्यादा वैल्यू में 5 डिवाइडेड बाई 9 होगा, कम वैल्यू में 9 डिवाइडेड बाई 5 होगा, जस्ट ऑपोजिट, जस्ट उल्टा। Got it everyone? दोनों का opposite होगा, दोनों का उल्टा होगा। Okay, fine. ये easy है और आप लोग, मुझे पूरा उम्मीद है आप इसको 100% करेक्ट करके आओगे। But remember करना, revision करना, याद दिलाना, ये मेरी responsibility है। मैं हर उस topic को आपको revise कराऊंगा। आपको आता होगा तो और strong बन जाएगा, आपको नहीं आता होगा तो बिल्कुल अच्छा जाएगा। बिल्कुल अमरनाथ शर्मा, बिल्कुल बेटा। ओके माई डियर, नेक्स्ट चलते हैं, अभी हम टेम्परेचर पढ़ते हैं। द कलर्ड प्रोब ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर आर इंडिकेटिव। देखिए, आजकल की इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर का यूज बढ़ गया, तो माय डियर, द कलर्ड प्रोब ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर आर इंडिकेटिंग, मतलब कलर प्रोब जो यहां लिखा हुआ मैंने, वो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर का किसको इंडिकेट करेगा। ब्लू एंड रेड आर बोथ आर ओरल, हमेशा याद रखना एक ही थर्मामीटर में दो कलर की प्रॉब नहीं होगी, तो ए राइट आंसर नहीं है। दूसरा मैं लिखा है ब्लू इज फॉर रेक्टल एंड रेड फॉर ओरल। देखिए, ब्लू इज फॉर रेक्टल, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हुआ। सी में लिखा है ब्लू इज फॉर ओरल और रेड फॉर रेक्टल, रेड फॉर रेक्टल। यस, बहुत बढ़िया चंचल, थैंक यू सो मच। बहुत बच्चों ने सही आंसर पुट कर दिया है। मैं याद रखने का तरीका भी बताऊंगा। ब्लू एंड रेड आर बोथ रेक्टल, आपका राइट आंसर पुट कर देता हूं, दैट इज अ सी। याद रखने का तरीका बता देता बच्चों, आर से याद रखना रेड और आर से याद रखना रेक्टल, बच्चा कौन सा ब्लू और बच्चा कौन सा ओरल, नेवर फॉरगेट इन योर एंटायर लाइफ। गॉट इट एवरीवन, याद रखने का तरीका आर से याद रखना रेड प्रोब वाला और आर से याद रखना रेक्टल है। बच्चा कौन सा बच्चों, ब्लू वाला बच्चा है, और ब्लू वाला किसके लिए हो जाएगा, ओरल के लिए। मैं यहां दोनों डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट ये आपको रिमेंबर करना जरूरी है, ब्लू इज फॉर ओरल, रेड फॉर रेक्टल। गॉट इट एवरीवन, आई होप कि यू आर एबल टू रिमेंबर। ओके फाइन, मैं आपको सारे थर्मामीटर को शॉर्टली डिस्कस करना चाहूंगा, दैट यू कैन सी एवरीवन। ओरल थर्मामीटर जो है लॉन्ग सिलेंड्रिकल बल्ब होता है, देखिए ओरल लॉन्ग सिलेंड्रिकल होता है, ब्लू टिप होता है। रेक्टल जो है शॉर्ट बल्ब होता है, राउंडेड होता है। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ये गलती की होगी,
जब पहली बार आप टेम्परेचर चेक करने हॉस्पिटल पहुंचोगे, फर्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग, फर्स्ट ईयर जीएनएम में आप फर्स्ट टाइम जब टेम्परेचर लेने पहुंचोगे तो आपको बहुत क्रेज होता होगा। बस थर्मामीटर दिख जाए टेम्परेचर हम लेंगे, इतना क्रेज होता था। थर्मामीटर दिख जाए टेम्परेचर हम लेंगे। देखिए बच्चों दो चीजें मैं क्लियर, ओरल थर्मामीटर की बात करूं, यू कैन सी एवरीवन, ये जो है ये थर्मामीटर है, ठीक है, और ये थर्मामीटर का जो है ये बल्ब है, ये थर्मामीटर जो बल्ब है, और ये पीछे वाले हिस्से को स्टेम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेम। ये आपको आना जरूरी है क्योंकि मैं इसके बारे में बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूं। दूसरा इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, टिप है, टिप है, और टिप जो होगा, या इसको हम बल्ब बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, बल्ब बोल सकते हैं। याद रखना यदि थर्मामीटर का बल्ब जो है, यदि थर्मामीटर जो बल्ब है ये लॉन्ग है, यदि थर्मामीटर का बल्ब जो है लॉन्ग है तो ही उस थर्मामीटर से ऑरल टेम्परेचर लेना है। ध्यान से देखना, गलतियां बहुत की होगी आपने स्टूडेंट लाइफ में, अब यहां वक्त है सुधारने का, वक्त है सुधारने का। जब हमें पता नहीं था कि ऑरल और रेक्टल में डिफरेंस क्या है तो हम उसी थर्मामीटर से सारी जगह टेम्परेचर चेक कर लेते थे। बच्चों आज के बाद ऐसा नहीं करना, ओके फाइन। लॉन्ग सिलेंड्रिकल बल्ब है, आगे का बल्ब जो है वो लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, समझ जाना बच्चों। वो थर्मामीटर यूज करना माउथ में, वो थर्मामीटर यूज करना एक्सिला में, वो थर्मामीटर यूज करना ग्रोइन में। गॉट इट एवरीवन? बिल्कुल गॉट इट एवरीवन। दूसरा रेक्टल जो है ऐसा होगा, रेक्टल जो होगा दैट यू कैन सी अगेन, ये थर्मामीटर है और इसका जो बल्ब है इस तरीके से होगा, ये इसका क्या बल्ब है, ये क्या बल्ब है, और बैक साइड का इसका भी क्या स्टेम है, बैक साइड का इसका भी क्या है, स्टेम है। बल्ब कैसा है बच्चों, ये बल्ब जो है ये ब्लंट है, बल्ब कैसा है, ये ब्लंट है, ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट है। मतलब यदि जिस थर्मामीटर आगे का बल्ब जो है ब्लंट है और शॉर्ट है, ब्लंट है और शॉर्ट है, समझ जाना उसी थर्मामीटर को रेक्टम में पुट किया जाता है, उसी थर्मामीटर को रेक्टम में पुट किया जाता है टू टेकिंग रेक्टल टेम्परेचर। कभी आपने टेम्परेचर लेने से पहले इस बात का ध्यान रखा, बहुत अच्छी बात, नहीं रखा तो आज के बाद रखिएगा, आज के बाद रखिएगा। जब भी आप टेम्परेचर मॉनिटर करने जाते हैं, जब भी आप टेम्परेचर मॉनिटर करने जाते हैं, डिफरेंस बिटवीन रेक्टल और ऑरल थर्मामीटर, रेक्टल और ऑरल थर्मामीटर, लॉन्ग सिलेंड्रिकल बल्ब ऑरल, शॉर्ट ब्लंट रेक्टल, शॉर्ट ब्लंट और रेक्टल, ओके फाइन। मुझे पता है काफी बच्चों से गलतियां हुई होगी, इंसान है, पार्ट ऑफ लाइफ है गलतियां, अब गलतियां नहीं करना बच्चों, अब गलतियां नहीं करना, ओके फाइन। वहां मैंने दोनों का इलेक्ट्रॉनिक भी पुट किया है। एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ग्लास थर्मोमीटर किसने दिया, थॉमस क्लिफोर्ड। ये क्वेश्चन बन सकता है कि ग्लास थर्मोमीटर किसने दिया, थॉमस क्लिफोर्ड, और आपसे पूछे क्लिनिकल थर्मोमीटर किसने दिया, तो लिखना अल्बर्ट। क्लिनिकल थर्मोमीटर किसने दिया, तो आप लिखना अल्बर्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन टू ट्रस्ट ऑन जेएनसी जोधपुर। लाइक करना ना भूले, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूले। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, मैं हमेशा कहता हूं माइनर माइनर जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कभी एस्केप नहीं करना, वो सिलेक्शन की ताकत बनती है, वही सिलेक्शन करवाते हैं। बड़े क्वेश्चन तो हर कोई करके आता है, बड़े क्वेश्चन हर कोई करके आता है, ओके फाइन। ये दो छोटे छोटे टर्म्स आपको पूछे जा सकते हैं, किसने इन्वर्ट किया। विल गो फर्दर, नेक्स्ट देखिएगा, द डिफरेंस बिटवीन द बेल एंड डायफ्राम पोर्शन ऑफ द चेस्ट पीस इन द स्टेथोस्कोप आर फॉलोइंग। फटाफट आंसर पुट करना। मैंने स्टेथोस्कोप के पार्ट पुट किए हैं और मैंने बेल और डायफ्राम का डिफरेंस पूछा है, बेल और डायफ्राम का डिफरेंस पूछा है। पुट द एवरीवन, पुट द राइट आंसर, फटाफट आंसर पुट करिएगा। The difference between bell and diaphragm portion of the chest piece in the stethoscope are following. चार ऑप्शन है कि diaphragm circular होता है, flat होता है, bell bowl shape का होता है। B में लिखा है bell circular होता है, flat होता है, diaphragm bowl shape का होता है। C में bell and diaphragm दोनों same shape के होते हैं, और D में transmit high pitch sound। देखिए D और C दोनों नहीं है, D और C दोनों नहीं है। ऑप्शन आपके पास बचा A और B, ऑप्शन आपके पास बचा A और B, और ज्यादातर बच्चों ने राइट आंसर पुट किया, ज्यादातर बच्चों ने राइट आंसर पुट किया। फटाफट क्विक रिस्पॉन्ड करिएगा, इफ यू हैव आंसर पुट इट, इफ यू हैव आंसर पुट इट, इफ यू डोंट हैव वेट इट, वेट इट, फटाफट शाबाश। बिल्कुल सही आंसर बच्चों, डायफ्राम सर्कुलर शेप का होता है, फ्लैट होता है, बेल जो है बाउल शेप होता है। यहां पर आप देखिएगा, ये आपका स्टेथोस्कोप है, ये आपका स्टेथोस्कोप है, ये स्टेथोस्कोप का बड़ा वाला पोर्शन है जिसको आप डायफ्राम बोलते हैं, ये बैक साइड वाला छोटा पोर्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, हम जिसको बेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेल बोलते हैं। इस तरह की एक ट्यूब होती है, इस तरह की एक ट्यूब होती है, फिर क्या होता है बच्चों, बाइनुलर होता है,
बाइनुलर होता है और लास्ट में कौन होता है, ईयर पीस होता है। देखिए ये जो दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ईयर पीस। क्या बोलते हैं? ईयर पीस होता है जो कान में लगाते हैं। दूसरा इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनुलर। क्या बोलते हैं? बाइनुलर। तीसरा ये क्या है बच्चों, ट्यूबिंग। ये क्या है? ट्यूबिंग। और स्टेथोस्कोप का बड़ा वाला हिस्सा जो होता है उसको डायफ्राम बोलते हैं, छोटे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, बेल बोलते हैं। ध्यान से रखना डायफ्राम कैसे शेप का होता है, सर्कुलर होता है, फ्लैट होता है, और बेल कैसे होता है, बाउल शेप का होता है। इजी टू रिमेंबर। देखिए बेल से याद रखना बी, और बी से याद रखना बाउल, बी से याद रखना बाउल। बहुत फोटो डाले होंगे आपने फेसबुक पे स्टेथोस्कोप गले में डाल के, आज जानना होगा स्टेथोस्कोप का असली काम क्या है। अब यदि हम बात करें स्टेथोस्कोप का, ये जो डायफ्राम वाला पोर्शन है, डायफ्राम वाला पोर्शन है, इसका यूज बता देता हूं, यूज फॉर हियरिंग। ध्यान से देखना बच्चों, यूज फॉर हियरिंग हाई पिच साउंड, यूज फॉर हियरिंग हाई पिच साउंड। हाई पिच साउंड को सुनने के लिए हम किसको यूज करते हैं बच्चों, हम यूज करते हैं डायफ्राम को। किसको यूज करते हैं? डायफ्राम। और हाई पिच का यदि मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं तो हर्ट साउंड, हाई पिच का एग्जाम्पल आपको बताऊं बच्चों, हर्ट साउंड जो है हाई पिच है। देन बच्चों लंग साउंड, लंग साउंड जो है वो हाई पिच है, लंग साउंड को हाई पिच बोलते हैं। इवन बाउल साउंड, इवन बाउल साउंड। देखिए यहां पर मैंने हर्ट का, लंग्स का, बाउल का, तीनों तीनों का बताया है, और ये तीनों कौन से साउंड है, हाई पिच, और इन तीनों को सुनने के लिए हम किसको यूज करते हैं, हम डायफ्राम का यूज करते हैं। गॉट इट एवरीवन। दूसरा यदि हम बात करें बेल का, बेल का बात कर याद रखें बच्चों, बेल से याद रखना, एल से याद रखना लो पिच, एल से याद रखना लो पिच। कौन सा साउंड सुनते हैं? लो पिच। और लो पिच का एस एग्जाम्पल क्या होगा? फीटल हर्ट साउंड। लो पिच का बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा? फीटल हर्ट साउंड। छोटी छोटी चीजें हैं, नेवर फॉरगेट। दो चीजें मैंने क्लियरली बता दी आपको। फर्स्ट थिंग क्या बताया कि डायफ्राम हाई पिच साउंड सुनता है, बेल लो पिच साउंड सुनता है। अगेन बेल जो डायफ्राम जो है, डायफ्राम कैसा होता है, सर्कुलर शेप का होता है, बेल जो है बाउल शेप का होता है। एक और क्वेश्चन बनता है, एक और क्वेश्चन यहां पर बनता है। क्वेश्चन क्या बनेगा बच्चों? क्वेश्चन ये बनेगा कि स्टेथोस्कोप है, क्वेश्चन क्या बनेगा, जो स्टेथोस्कोप है, स्टेथोस्कोप का फादर कौन है? तो आंसर लिखना रेन, रेन लनक, रेन लनक, रेन लनक इज अ फाउंडर और फादर ऑफ स्टेथोस्कोप। आपको याद हो मैंने सिरोसिस ऑफ लिवर पढ़ाया था, और सिरोसिस ऑफ लिवर में आपको बताया था कि रेन लनक इज अ फाउंडर ऑफ सिरोसिस ऑफ लिवर, और रेन लनक इज अ फादर ऑफ, इज अ फादर ऑफ स्टेथोस्कोप। गॉट इट एवरीवन। ये हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव। बिल्कुल बढ़िया। रेखा, योगिता, अनामिका, आशीष, महिमा, अनिता, एंजल, अनुराधा, पूजा, दीक्षित, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साबा साबा, कीप इट अप। ओके फाइन, विल गो फर्दर। नेक्स्ट मैंने पुट किया साइट पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर द टेम्परेचर टेकन। यहां छोटे छोटे एमसीक्यू बनेंगे, मैं सारे साइट पे बनने वाले क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करते हुए आगे बढ़ूंगा। देखिएगा साइट ऑफ पार्ट की बात करें बच्चों, सबसे पहले लिखा मैंने ऑरल और माउथ। देखिए यहां ऑरल भी बोल सकते हैं, माउथ भी बोल सकते हैं, ऑरल भी बोल सकते हैं, माउथ भी बोल सकते हैं। ओके फाइन, ऑरल और माउथ की बात करें, यहां का नॉर्मल टेम्परेचर मैंने बताया था, यहां कोई चेंजेस नहीं है। यहां जो टेम्परेचर होगा वो नॉर्मल होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। गॉट इट एवरीवन। ओके फाइन, दूसरा मैंने क्या पुट किया, रेक्ट। अब याद होगा मैंने क्या बताया, रेक्टल से जब भी हम टेम्परेचर को पुट करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं, तो माइनस क्या करना होता है, वन। ध्यान से देखना बच्चों, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। नॉर्मल रेक्टल का टेम्परेचर कितना है? 99.6। नॉर्मल रेक्टल का टेम्परेचर कितना है? 99.6। गॉट इट एवरीवन, 99.6। और ऑप्शन में मैंने पुट किया है 37.5 डिग्री सेल्सियस, 37। और इसमें अपने को क्या करना है, माइनस वन करना है। क्या करना है? माइनस वन करना है। गॉट इट एवरीवन। रेक्टल टेम्परेचर, सारी चीजें मैं आपको आगे डिस्क्राइब करता हुआ चलूंगा, ध्यान रखना। और रेक्टल को हम मोस्ट एक्यूरेट साइट बोलते हैं, मोस्ट एक्यूरेट साइट टू टेकिंग टेम्परेचर बोलते हैं, आगे डिटेल में बताऊंगा आपको। देन एक्सिला और ग्रोइन, एक्सिला और ग्रोइन, ध्यान से देखना बच्चों, एक्सिला और ग्रोइन का नॉर्मल 97.6 होगा या 36.4 होगा, कि उसमें क्या करना, प्लस वन। माइनस प्लस को ध्यान में रखना, जब भी रेक्टल से टेम्परेचर मेजर करते हैं माइनस वन करते हैं, जब भी एक्सिला से टेम्परेचर मेजर करते हैं, जब भी एक्सिला से टेम्परेचर मेजर करते हैं बच्चों, प्लस वन करना है। नेवर फॉरगेट। रितु थैंक यू सो मच, नेवर फॉरगेट, इट्स अ लिटिल लिटिल थिंग्स दे आर आस्किंग इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ओके फाइन, नेक्स्ट मैंने लिखा टिम्पेनिक।
नेक्स्ट मैंने लिखा टिम्पेनिक, मैं इमेज बताऊंगा आपका आगे। टिम्पेनिक टेम्परेचर जब भी मेजर करते हैं तो याद रखना देयर इज अगेन नो चेंज 98.6 डिग्री फारेनहाइट। टिम्पेनिक में और माउथ के टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं करना है, और रेक्टल से जब टेम्परेचर लोगे तो -1 करना है, एक्सिला से जब टेम्परेचर लोगे तो +1 करना। यू कैन सी एवरीवन दैट हियर टू मेकिंग, यहां हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन की बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं अब आने वाले टाइम में आपको चारों साइट्स के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं जहां क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बनेंगे। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं, इस इमेज को देख के बता सकते हैं ये कौन सी साइट हम पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले माउथ और ओरल। क्या पढ़ेंगे बच्चों? माउथ और ओरल। ये सीधा क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन साइट टू टेकिंग टेम्परेचर। आंसर क्या लिखना है? मोस्ट कॉमन साइट टू टेकिंग टेम्परेचर, आपको सीधा आंसर क्या लिखना होगा? ऑरल या माउथ। गॉट इट एवरीवन? ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव, बिल्कुल अक्षय सब्र रखो, सारी चीजें बताऊंगा, एडवांस ना जो, डोंट ट्राई टू गो एडवांस, वी विल डिस्कस एवरीथिंग। मोस्ट कॉमन साइट पूछेंगे तो आपको क्या लिखना है? ऑरल और माउथ लिखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा ध्यान से देखना, जब भी ऑरल और माउथ से टेम्परेचर लेंगे कहां पर पुट करते हैं थर्मामीटर को? अंडर द टंग पुट करते हैं। क्यों पुट करते हैं? बिकॉज गुड ब्लड सप्लाई, रीजन को जानिएगा, क्वेश्चन पूछा ऑरल और माउथ टेम्परेचर जो है वो मोस्ट कॉमन साइट होता है, और कहां लेते हैं हम? अंडर द टंग थर्मामीटर को पुट करते हैं, और अंडर द टंग क्यों पुट करते हैं? बिकॉज दे हैव गुड ब्लड सप्लाई। देन थर्मामीटर को 1 से 3 मिनट तक रखना, 1 to 3 मिनट तक, 1 to 3 मिनट तक रखना होगा बच्चों, 1 to 3 मिनट। ओके फाइन। अब एक क्वेश्चन आता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, चेक फॉर ईटिंग, चेक फॉर ड्रिंकिंग, चेक फॉर एनीथिंग हॉट एंड कोल्ड, वेट फॉर 15 मिनट। दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन। जब भी पेशेंट ओरल टेम्परेचर आप चेक करते हो तो ओरल टेम्परेचर को चेक करते समय आपको ध्यान रखना है, यदि पेशेंट कुछ हॉट और कोल्ड लेके आया, तो बच्चों आपको उसको कितना मिनट तक वेट करवाना है? 15 मिनट तक। कितना मिनट तक वेट करवाना है? 15 मिनट्स। मैक्सिमम 20 तक जा सकते हैं, गॉट इट एवरीवन? क्योंकि हॉट और कोल्ड सब्सटेंस डेवलप वेरिएशन। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, हमें कभी कभी पूछा जाता है कि ह्यूमन बॉडी की हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी का मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो इवनिंग में 4 to 6 PM को मिलेगा, और आपसे पूछे कि ह्यूमन बॉडी का मिनिमम टेम्परेचर आपसे पूछे कब फाइंड आउट होगा, तो आपको मॉर्निंग में लिखना है 4 to 6 AM। देखिए डिफरेंस देखिएगा, 4 to 6 AM जो है आपके बॉडी का लोवेस्ट मिनिमम बोल सकते हो, या आप इसको लोवेस्ट बोल सकते हो, मैक्सिमम बोल सकते हो, या इसको हाईएस्ट बोल सकते हो, कि आपकी बॉडी का हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर कब फाइंड आउट होता है, लोवेस्ट बॉडी टेम्परेचर कब फाइंड आउट होता है। याद रखना ये वेरिएशन क्या इंडिकेट करता है, कि डे की एक्टिविटी के साथ बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, तो हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर इवनिंग में 4 to 6 PM होगा, लोएस्ट बॉडी टेम्परेचर मॉर्निंग में 4 to 6 AM होगा। गॉट इट एवरीवन? दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। बहुत बढ़िया। ओके फाइन। अब मैंने यहां पुट किया कि जब भी कुछ हॉट और कोल्ड सब्सटेंस पेशेंट लेके आता है देन यू शुड वेट फॉर 15 मिनट। अब किस किस कंडीशन में ओरल टेम्परेचर को अवॉइड करना, बिल्कुल बाबू कटारिया ऑप्शन में 1, 2, 3, तो बेटा 3 तो बताया ना, 3 इज द राइट आंसर। यस, 3 इज द राइट आंसर। थैंक यू सचिन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में मैंने लिखा है कि क्लाइंट को यदि कन्वल्शन है तो कन्वल्शन वाले बच्चे के मुंह के अंदर थर्मामीटर नहीं डालेंगे, इट कैन ब्रेक। देखिए कन्वल्शन का मतलब होता है इनवॉलेंट्री। कन्वल्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स।
यदि वॉलंटरी मसल्स का इनवॉलंटरी मूवमेंट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वल्शन। और कन्वल्शन वाले पेशेंट को जब भी हम थर्मामीटर को पुट करेंगे अंदर द टंग तो क्या कर देगा, ब्रेक हो जाएगा और पेशेंट को मर्क्यूरी पॉइजनिंग हो जाएगा, पेशेंट को मर्क्यूरी पॉइजनिंग हो जाएगा। दैट विल बी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, दैट विल बी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ओके फाइन। उसके अलावा मैंने पुट किया है फ्रीक्वेंट अटैक ऑफ कफ, मतलब बार बार किसी पर्सन को कफ आ रहा है तो जैसे आपने थर्मामीटर को पुट किया पेशेंट कफ करेगा, दैट विल बी एक्सप्लाउड, दैट विल बी एक्सप्लाउड। इवन माय डियर चिल्ड्रन जिसकी उम्र 6 साल से कम के बच्चों में ऑरल टेम्परेचर चेक नहीं करना है। ऑरल टेम्परेचर बच्चा क्या करेगा, जैसे ही थर्मामीटर आप डालोगे वो उसको ब्रेक कर देगा और उसको मर्क्यूरी पॉइजनिंग हो सकता है, मर्क्यूरी पॉइजनिंग हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैं डिस्कस कर रहा हूं विच इज बिलोंग फ्रॉम द ऑरल और माउथ। तो क्या क्वेश्चन बनेगा, मोस्ट कॉमन साइट टू टेकिंग टेम्परेचर, आंसर क्या लिखना, माउथ और ऑरल। कितना मिनट तक थर्मामीटर रखना है, आंसर लिखना 1 to 3 मिनट। कितना टाइम तक वेट करना कोल्ड और हॉट सब्सटेंस, 15 मिनट, ये मैक्सिमम 20 तक जा सकता है। और किस किस कंडीशन में नहीं लेते हैं थर्मामीटर को पुट, कहां करना है, बल्ब जो है उसको अंडर द टंग पुट करना है, बल्ब जो है अंडर द टंग पुट करना है और माउथ को क्लोज कर लेना। ओके फाइन, ये तो मैंने बात कर दी माउथ और ऑरल। देखिए बच्चों नेक्स्ट पिक्चर क्या इंडिकेट कर रहा है, नेक्स्ट पिक्चर इंडिकेट कर रहा है रेक्टम। अब जो बच्चे कह रहे थे ना बार बार मोस्ट रिलायबल मोस्ट एक्यूरेट, देख लीजिएगा, सब्र रखिएगा, हर चीज हर कंटेंट आप तक आएगा, सब्र रखिएगा, डोंट ट्राई टू ओवर स्मार्ट, डोंट ट्राई टू ओवर स्मार्ट। रेक्टल टेम्परेचर में दो क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट रिलायबल साइट और मैं बताना चाहूंगा मोस्ट एक्यूरेट, मोस्ट रिलायबल साइट और मोस्ट एक्यूरेट, ये दो क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। अब आपको शायद समझ में आ गया मोस्ट रिलायबल और मोस्ट एक्यूरेट। ओके फाइन, ओके फाइन। यहां मैंने बात की है दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू मॉनिटर इंटरनल मेजरमेंट। देखिए दो टर्म्स मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, दो टर्म्स आपको बताना चाहूंगा। एक आपने सुना है कोर टेम्परेचर, एक आपने सुना होगा कोर टेम्परेचर जिसका दूसरा नाम है बॉडी इंटरनल टेम्परेचर, जिसका दूसरा नाम है बच्चों बॉडी इंटरनल। कोर टेम्परेचर का मतलब होता है बॉडी इंटरनल टेम्परेचर, आपके बॉडी का अंदर जो टेम्परेचर है उसको हम क्या बोलते हैं, कोर टेम्परेचर, उसको हम क्या बोलते हैं, कोर टेम्परेचर। गॉट इट एवरीवन। और जब कोर टेम्परेचर की हम बात करें तो कोर टेम्परेचर मेजर कौन सी साइड से करते हैं, तो आंसर क्या लिखोगे, रेक्टम। कोर टेम्परेचर मतलब बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेजर करना होगा तो साइट कौन सी प्रिफर करेंगे, हम रेक्टल टेम्परेचर मेजर करेंगे, क्योंकि इंटरनल टेम्परेचर मॉनिटर करना, इंटरनल टेम्परेचर मॉनिटर करना है। तो कोर टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, बॉडी इंटरनल टेम्परेचर। दूसरा आता है शाल टेम्परेचर, दूसरा आता है शाल टेम्परेचर, और शाल टेम्परेचर को बोलते हैं बॉडी एक्सटर्नल या सरफेस, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, बॉडी सरफेस। देखिए बॉडी सरफेस टेम्परेचर, और बॉडी सरफेस टेम्परेचर जो है इसकी साइड कौन सी होगी बच्चों, इसकी साइड कौन सी होगी, एक्जिला हो सकती है, इसकी साइड कौन सी है, ग्रोइन हो सकती है। ये क्या मॉनिटर करते हैं, बॉडी सरफेस। इवन टेम्परेचर टेप भी हो सकता है, इवन टेम्परेचर टेप भी हो सकता है, दैट आर रिस्पॉन्सिबल, दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू मॉनिटर। ये दोनों टर्म्स इंपॉर्टेंट है, कोर टेम्परेचर मतलब बॉडी इंटरनल, शाल टेम्परेचर मतलब बॉडी का सरफेस टेम्परेचर। कोर टेम्परेचर किससे मॉनिटर करते हैं, रेक्टल टेम्परेचर के द्वारा। शाल कौन सी साइड से करते हैं, एक्जिला और ग्रोइन, एक्जिला और ग्रोइन। गॉट इट एवरीवन, गॉट इट एवरीवन। ओके फाइन, अब हम फर्दर देखें, अब फर्दर देखें नेक्स्ट कि कितना मिनट तक थर्मामीटर को रखना। देखिए ड्यूरेशन बदल गया है, ड्यूरेशन बदल गया, 1 to 2 मिनट्स, 1 to 2 मिनट्स। और एक बड़ा फेवरेट कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन है कि थर्मामीटर को इंसर्ट कितना करते हैं, थर्मामीटर को इंसर्ट कितना करता है, यह ध्यान से देखिएगा, इंसर्ट कितना करते हैं, यह क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, 1 to 1.5 इंच, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन श्योरली आएगा, ये क्वेश्चन श्योरली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपको आंसर लिखना है 1 to 1.5 इंच, 1 to 1.5 इंच, नेवर फॉरगेट, देयर इज नो 2 इंच, 1 to 1.5 इंच, 1 to 1.5 इंच। ये 1 to 1.5 इंच जो है इसको याद करिए, रट्टा मारा हुआ बात मत बताएं, बिल्कुल नहीं, 1 to 1.5 इंच बोली गया। ड्यूरेशन कितना है, 1 to 2 मिनट्स, मतलब यहां 2 मिनट ही रखना है। अभी ऑरल का ड्यूरेशन कितना बताया था बच्चों, ऑरल का ड्यूरेशन आपको बताया था 1 to 3 मिनट्स, 1 to, यस विनोद अनु बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, रट्टा मारी हुई बात ना चलेगी, एग्जाम में सिलेक्शन रुक जाएगा, ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें
अलग अलग वैल्यूज दिमाग में मत डेवलप करिएगा। वन से वन एंड हाफ लिखना ऑप्शन नहीं है तो आप टू लिख सकते एग्जैक्टली एक से डेढ़ इंच आज के बाद दिमाग में सेट कर लीजिएगा। एक से डेढ़ ऑप्शन नहीं है तो आपको टू लिखना। ओके फाइन। एक और क्वेश्चन बनेगा, पोजीशन कौन सी देते हैं। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि रेक्टल टेम्परेचर मॉनिटर करते समय पोजीशन कौन सी देते हैं, आपको आंसर क्या लिखना लेटर, आपको आंसर क्या लिखना है लेटर। कोई क्वेरीज नहीं आज तक, कोई क्वेरीज नहीं। हम रेक्टल टेम्परेचर की बात कर रहे थे और एक और थिंग्स मैं आपको बताना चाहूंगा, वन मोर थिंग्स कि रेक्टल टेम्परेचर जो है ये क्या कॉज करता है, कॉज ब्रेडीकार्डिया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, कॉज ब्रेडीकार्डिया। और ब्रेडीकार्डिया क्यों कॉज करेगा, ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व। और वेगस जो है वो 10th क्रेनियल नर्व, कौन सा क्रेनियल नर्व, 10th। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि रेक्टल टेम्परेचर कैन कॉज, ऑप्शन में दे सकता टैकीकार्डिया ब्रेडीकार्डिया, तो आपको आंसर क्या लिखना बच्चों, ब्रेडीकार्डिया। यस, छोटी छोटी बातें भावना, छोटी छोटी बातें सिलेक्शन के और करीब लेके जाएगी। आई होप यू आर गेटिंग मेनी थिंग्स फ्रॉम दैट क्लास। ओके, रेक्टल टेम्परेचर की बात हो गई, तीन चार छोटे छोटे क्वेश्चन हमने यहां पर देखे। वेगस नर्व की वजह से क्या कॉज होता है बच्चों, ब्रेडीकार्डिया। मैंने सक्शन में पढ़ाया था, सक्शन में भी क्या कॉज होता है, ब्रेडीकार्डिया। ओके फाइन, नेक्स्ट आप सबकी फेवरेट साइट, ज्यादातर बच्चे एक्जिला के पीछे भागते हैं और मैं यहां पर भी बताना चाहूंगा एक्जिला ग्रोइन, ये एक तो सेफेस्ट और नॉन इन्वेजिव साइट, मतलब यहां कोई नुकसान नहीं, थर्मामीटर टूट भी जाएगा दूसरा लगा देंगे। नॉन इन्वेजिव का मतलब इंसर्ट नहीं करके करते हैं। यहां दो क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, यहां दो क्वेश्चन बनते हैं कि चिल्ड्रन की ये साइट बोल सकते हैं, चिल्ड्रन में क्यों 6 साल से कम के बच्चों में प्रीफर नहीं करते, इन्फेंट में रेक्टल प्रीफर करते हैं, तो चिल्ड्रन की साइट बोल सकते हैं। दूसरा सेफेस्ट और नॉन इन्वेजिव, सेफेस्ट का मतलब यहां कॉन्ट्रा इंडिकेशन या डिसएडवांटेज का काफी चांस कम है। दूसरा मैंने नॉन इन्वेजिव का मतलब बताया, बार से ही पुट करते हैं, इंसर्ट नहीं करना, बार से ही पुट करते हैं। ओके फाइन, दूसरा यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी हम टेम्परेचर मेजर करते हैं तो हम आर्मपिट और ग्रोइन, देखिए दिस इज द आर्मपिट, आर्मपिट में जब भी हम थर्मामीटर को पुट करेंगे तो आर्मपिट के सेंटर में पुट करना, आर्मपिट के सेंटर में पुट करना, और सेंटर में पुट करने के बाद में हाथ को क्या करना, हाथ को 90 डिग्री एंगल पर रखना, हाथ को 90 डिग्री एंगल पर रखना। दैट इज अ वे हाउ टू पुट थर्मामीटर इनटू द एक्सिला, दैट इज अ वे हाउ टू पुट द थर्मामीटर इनटू द एक्सिला। गॉट इट एवरीवन। ओके फाइन, उसके अलावा कितना मिनट तक रखना, देखिए माउथ का 1-3 था, एक्सिला का भी 1-3 है और रेक्टम का 1-2 है, रेक्टम का 1-2 है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही पुट करें। उसके अलावा फर्दर मैं देखता हूं लीस्ट एक्यूरेट, दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन, लीस्ट एक्यूरेट मोस्ट कौन सा था बच्चों, रेक्टम। रेक्टम क्या था, मोस्ट एक्यूरेट था, रेक्टम मोस्ट एक्यूरेट था, रिलायबल था। लीस्ट एक्यूरेट बिकॉज दिस इज मेजर एक्सटर्नल टेम्परेचर, इसका मतलब बॉडी का सरफेस टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम किस कहां पुट करते, एक्सिला और ग्रोइन, कहां पुट करते बच्चों, एक्सिला और ग्रोइन। गॉट इट एवरीवन, यस, बहुत बढ़िया, शाबाश। विल गो फर्दर, एक और लिखा ड्राई आर्मपिट होना चाहिए ग्रोइन, जब भी हम प्लेस करते हैं सेंटर में प्लेस करना है और होल्ड करना है, सेंटर में प्लेस करना है होल्ड करना। बिल्कुल रामनिवास जाट, 5 मिनट बिल्कुल गलत, टोटली गलत। ये चीजें आप छोड़ दीजिएगा, सिलेक्शन चाहिए तो एक्यूरेसी पे आइएगा, सिलेक्शन और करीब आएगा। इस तरह की रटी हुई बातें याद ना रखें, यही तो कहता हूं, इन छोटी छोटी बातों से आप सिलेक्शन से रह जाते हो, ओके फाइन। नेक्स्ट मैं देखता हूं टिम्पेनिक, देखिए ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको बताया था टिम्पेनिक साइड, ध्यान से देखना, ये टिम्पेनिक थर्मामीटर बच्चों, ये टिम्पेनिक थर्मामीटर है और ये थर्मामीटर लगाने का तरीका, ध्यान से देखिएगा, इस तरह मैंने पुट किया, दैट इज अ थर्मामीटर विच इज यूज्ड टू मेजर द टिम्पेनिक टेम्परेचर, दैट इज अ थर्मामीटर दे आर पुटिंग, जब थर्मामीटर को लगा के रखा उस समय का। मनीरा सैनी, इंतजार करिएगा बच्चों, आप सोच नहीं सकते वो चीजें आपको बताऊंगा, आप तो 2-4 चीजें याद होती फटाफट पुट करना शुरू कर देते हो। ट्राई करो कि स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, जिंदगी में लंबे समय तक याद रहेगा और आप रिमेंबर करना बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए यहां मैंने पुट किया है एरल और वीक एस टिम्पनिंग, देखिए आपको याद होगा जब हम लोगों ने ईयर पढ़ा, और ईयर के अंदर मैंने आपको क्लियरली बताया था कि एक टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होता है और सबसे खास बात क्या है इसकी, टेकन इन द ईयर,
then measure thermal infrared energy radiating from the blood vessels into the eardrum. देखिए बच्चों, eardrum की blood vessels की बात करें, eardrum को हम बोलते हैं tympanic membrane. eardrum का दूसरा नाम क्या? tympanic membrane. eardrum क्या करती है? external और middle ear को divide करने का काम करती है. tympanic membrane. और जब भी हम thermometer से, tympanic thermometer से temperature measure करते हैं, तो my dear, जैसे ही आप thermometer को insert करोगे, तो ये जो portion है, ये कहाँ touch करेगा? ये tympanic membrane पे touch करेगा. और जैसे ही tympanic membrane पे touch करेगा, तो tympanic membrane पे करते जो ब्लड वेसल्स होगी, they are reflecting, और ये रिफ्लेक्शन क्या करता है? एक बीप जनरेट करता है. क्या करते हैं? एक बीप जनरेट करता है. और जैसे ही बीप जनरेट होगा, तो एक रीडिंग शो होगा. क्योंकि माय डियर, सबसे खास बात क्या है, लगभग इस थर्मामीटर को कान में कब तक रखना चाहिए? I was putting 1-3 seconds. ध्यान से रखना, 1-3 seconds. बिल्कुल रिजवाना खान सही आंसर दिया, 1-3 seconds. मतलब जैसे ही आपने थर्मामीटर को कान में पुट के, जोर नहीं लगाना है, नहीं तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा. जोर नहीं लगाना है, कान में पुट करना है. और जैसे ही टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को टच करेगी, तो एक आवाज सुनाई देगी, बीप सुनाई देगा. उस समय आपको तुरंत थर्मामीटर को क्या करना बच्चों? निकाल देना. समझ में आ रहा है? ये ध्यान रखना. एज ए नर्स, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. वन टू थ्री सेकेंड, दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ टू मेजर टिम्पेनिक टेम्परेचर. और ये इमेज कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है. इमेज देख के बताना ये कौन सा थर्मोमीटर है. आई होप यू आर एबल टू गिव आंसर. और आपको आंसर क्या देना है? टिम्पेनिक टेम्परेचर मेजरिंग थर्मोमीटर. बिल्कुल बलवीर, लव यू टू माई डियर. अर्पिता, लव यू टू डियर. कैरी ऑन, बहुत बढ़िया. हम नेक्स्ट देखते हैं. हीट सेंसिटिव टेप. देखिए, बहुत सारे टेक्निकल चीजें यहां पर जानना पड़ेगा. इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूछता है. गॉट इट एवरीवन? ओके फाइन. यहां क्या लिखा है? हीट सेंसिटिव टेप. ऐसा इमेज आएगा. इज कंसिस्ट ऑफ टेम्परेचर सेंसिटिव इंडिकेटर. इट अडहेर टू द फोरहेड और एब्डोमन. देखिए, हीट सेंसिटिव टेप का क्वेश्चन बन सकता है. और आपको क्या करना है? हीट सेंसिटिव टेप की यदि हम बात करें, अडेर का मतलब क्या होता है बच्चों? अडेर का मतलब होता है स्टिक, चिपकना, स्टिक करना. गॉट इट एवरीवन? स्टिक करना. ओके फाइन. यहां क्या लिखा मैंने? टेम्परेचर सेंसिटिव इंडिकेटर. इस टेम्परेचर सेंसिटिव टेप में इंडिकेट होगा. इसको आप फोरहेड पे लगा सकते हो, इसको आप एब्डोमन पे लगा सकते हो. दो जगह, एक तो फोरहेड पे लगा सकते हो, दूसरा आप एब्डोमन पे लगा सकते हो. इन दोनों जगह जैसे ही आप टेम्परेचर सेंसिटिव टेप को लगाओगे, लगाने के तुरंत बाद, कुछ ही सेकंड, इसका ड्यूरेशन नहीं है, तुरंत बाद हम देखोगे, तो यहां पर आपको रीडिंग मिलेगा. और रीडिंग क्या इंडिकेट करता है? टेम्परेचर. और हीट सेंसिटिव जो टेप है, ये बॉडी सरफेस का टेम्परेचर मॉनिटर करने में मदद करता है. गॉट इट एवरीवन? ओके फाइन. हमने हीट सेंसिटिव टेप की बात की. नेक्स्ट आता है फाइंड आउट दिल्ली एम्स का एमसीक्यू. माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ये लास्ट 2000 वैकेंसी में पूछा हुआ एमसीक्यू. ध्यान से देख के फटाफट आप आंसर बताइएगा. ये कौन सा मैकेनिज्म है? पुट द राइट आंसर एवरीवन, फटाफट. कैसे रुक गए? आंसर दीजिएगा. यस अर्पिता, वन टाइम यूज करके डिस्कार्ड कर देते हैं. बिल्कुल. उर्मिला, बहुत सही आंसर दिया बेटा. विक्रम, सही आंसर. यस सुचिता, सही आंसर. क्या बात है, अब सही आंसर आने लगा है. ये डिस्पोजेबल है, बिल्कुल सही. मैं इसका नाम पूछ रहा हूं आपसे, आप नाम पुट करिएगा, इसका नाम पुट करिएगा. ये एक नया टेक्निक है और बहुत कॉमन स्प्रेड होता जा रहा है. शाबाश. देखिए बच्चों, बहुत सारे मेरे प्यारे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स हैं जिन्होंने अपने प्रोफाइल पे अभी तक जेएनसी का लोगो नहीं लगाया. वो लोगो लगा लें, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. यदि जेएनसी आपके लिए इतने एफर्ट लगा सकती है, तो जेएनसी का एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन आपको हंस के मानना चाहिए. यदि अभी भी आप उसको फॉलो नहीं करें, तो कहीं ना कहीं आपके दिल में कपट है, आपका दिल साफ नहीं है, आप ट्रस्टफुल नहीं हो सकते हो, आप किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के टूवर्ड ट्रस्ट नहीं रखते होंगे. ये इंडिकेट करता है. आपको कई बार मैंने समझाया कि आप अपने प्रोफाइल पे जेएनसी का लोगो लगाना ना भूलें,
तरीका नहीं पता तो किसी से मदद लें, और आई वॉन्ट टू सी एवरी वन ऑन जेएनसी लोगो। और मुझे बार बार क्यों कहना पड़ रहा, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इतने अच्छे स्टूडेंट होकर के भी इस चीज को यदि फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कैरी ऑन करना चाहिए, क्लास को आपको क्विट कर लेना चाहिए। रियली बता रहा हूं, यदि आप इतना नहीं कर सकते हो, यदि जेएनसी आपके लिए इतना कर रही है और इतना रिवर्ट्स नहीं आ सकता है, तो आप ट्रू जेआईएनसीएन हो ही नहीं सकते। बुरा लग सकता आपको, यू आर नेवर, आप ट्रू जेआईएनसीएन हो ही नहीं सकते हो। एक लोगो लगाने में आपको शर्म आ रही है, एक लोगो लगाने में आपको डर लग रहा है, और लोगो विल इंडिकेटिंग यू आर ट्रू हार्टेड टूवर्ड्स जेएनसी। वी वॉन्ट ट्रू हार्टेड पीपल, ताकि हम उनके लिए और मेहनत करें, हम उनके लिए और हार्डवर्क करें। और ये चीज मुझे बार बार बोलनी पड़ रही, मुझे बहुत दुख है कि इतने हॉनेस्ट स्टूडेंट होकर भी अपने आप को क्या समझते मुझे नहीं पता, बट यू विल पुट इट एवरीवन, यू विल पुट इट एवरीवन। आई वॉन्ट टू सी। मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, मौका दे रहा हूं आपको, लोगों यदि नहीं लगाना आता है तो आप किसी की मदद लें, बट प्रोफाइल पे मुझे जेआईएनसी का लोगो चाहिए। दैट इज माई लास्ट और फाइनल इंस्ट्रक्शन, और शायद बार बार रिपीट नहीं कर पाऊंगा, है ना। दैट आई वॉन्ट एनी हाउ। इट्स योर चॉइस, चॉइस नहीं है तो भी लोगो चाहिए, अदरवाइज आई विल हिडन। बहुत हो गया, बहुत समझा दिया, इसका मतलब आपके दिल में इतना भी ट्रस्ट नहीं है, आपकी जेएनसी इतनी मेहनत करी आपके लिए, you never had guts to put it, अभी भी यदि आपको ये put करने में शर्म आ रही, तो I think कायरता से भरी हुई चीज नहीं हो सकती, इतना कहने के बावजूद। I want to see tomorrow, otherwise I will take big action against you, that is last। कुछ वो visiting student है, वो कभी नहीं लगाएंगे, जिनको मुंह मारने की आदत है, इस थाली से उस थाली में वो मुंह मारते रहेंगे, वो मजबूर है, वो selection भी नहीं होगा, struggle है, वो ऐसा ही करते करते उनकी जिंदगी निकल जाती है, या फिर डिसलाइक करने चले आते हैं। लगभग 2000 ऐसे बच्चे जो सिंसियरली पढ़ते हैं, वो मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। पुट इट एवरीवन, टुमारो आई वांट टू सी। आपके पास लगभग लगभग 10 घंटे का टाइम मैंने आपको दिया है, और अब शायद बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं, है ना। आपका हार्ट के अंदर जेएनसी के प्रति थोड़ी भी फीलिंग है तो यू विल शो इट, और यदि आपके अंदर कायरता भरी हुई है तो ना लगाए। टुमारो आई वॉन्ट टू सी। आप सभी ने आंसर सही पुट किया, इसका नाम है टेम्पा डॉट। ये दिल्ली एम्स ने पूछा था, टेम्पा डॉट। देखिए बच्चों, टेम्पा डॉट में मैंने क्या लिखा, डिस्पोजेबल क्लिनिकल थर्मोमीटर दैट कैन मेजर ओरल और एक्सिलरी बॉडी टेम्परेचर। देखिए हम दो जगह यूज करते हैं, एक्सिला और ओरल, याद रखना डिस्पोजेबल है। रचना थैंक यू सो मच, याद रखना डिस्पोजेबल है बच्चों, डिस्पोजेबल है, इसको एक बार यूज करने के बाद डिस्कार्ड कर देते हैं। मैं एक वीडियो दिखाऊंगा आपको, उसमें कैसे मेजर करते हैं वो भी दिखाऊंगा, ताकि इस बार यदि क्वेश्चन आए तो आप गलत नहीं करें। दूसरा ध्यान से देखिएगा, एक्यूरेसी जो है वो प्लस माइनस 0.2 फारेनहाइट होता है, वो प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसकी एक्यूरेसी है वो 0.2 डिग्री फारेनहाइट। देखिएगा कैसे होता है एक्यूरेसी, मैं आपको बताना चाहूंगा। You can see everyone. एक्यूरेसी की हम बात करें, तो कैसे होगा, I will show you. You can see everyone. Suppose, I will show you, don't worry. हम एक्यूरेसी की बात करें, एक्यूरेसी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। टेम्पा डॉट पे क्वेश्चन आ चुका है, इट मे बी वो रिपीट भी हो सकता है, तो मैं उम्मीद करूंगा इस बार यदि ये क्वेश्चन आए ना तो आप लोग गलत ना करके आए, इसके माइनर जो थिंग्स है मैं शॉर्टली आपको बताना चाहूंगा। हम यहाँ एक्यूरेसी की बात करें, सपोज आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है 98.2 है, ये आपका बॉडी का टेम्परेचर मिला, ये 98.4 हो सकता है, ये 98 हो सकता है, मतलब 0.2 का डिफरेंस प्लस माइनस, got it everyone, प्लस माइनस मैंने बताया था फारेनहाइट में 0.2 होगा। वही हम सेल्सियस की बात करें, यदि 37.5 आया तो ये 37
0.6 हो सकता है, ये 37.4 हो सकता है, मतलब डिफरेंस कितना आ रहा बच्चों, 1 का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये नॉर्मली यहां पर वेरिएशन आपको फाइंड आउट होगा, नॉर्मली आपको वेरिएशन फाइंड आउट होगा, ओके फाइन। उसके अलावा ऑरल जो रीडिंग है वो लगभग 60 सेकंड से कम में आ जाती, ध्यान से देखना, ऑरल रीडिंग है वो विद इन 60 सेकंड से कम में ऑरल रीडिंग फाइंड आउट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बन सकता है, ओके फाइन। अब देखना सिग्नल टाइम यूज, एक्सिलरी और रेक्टम रीडिंग जो है वो 3 मिनट में, डिफरेंस देखिएगा बच्चों, ऑरल रीडिंग अगर लेस देन 60 सेकंड में आ जाएगा, एक्सिलरी और रेक्टम में हम पुट करते हैं। एक और बात, रेक्टम में जब हम टेम्पा डॉट को पुट करते हैं तो कवर करके पुट करते हैं ताकि वेस्ट ना हो, खराब ना हो। मैं एक वीडियो दिखाऊंगा उसमें चीजें मिलेगी। जब भी हम पुट करेंगे रेक्टम में तो स्टेपर डॉट को कवर करके पुट करेंगे, और माउथ में जब भी पुट करेंगे, एक्सिला में जब भी पुट करेंगे तो हम डायरेक्टली पुट करेंगे। यहां पर आपको देखना होगा, रीडिंग देखने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। पहला जो स्लाइड दिख रहा है इसमें 98.6 दिख रहा है बच्चों, 98.6 देखिएगा। नॉर्मली ये इस कलर के डॉट्स होते हैं, जब इस टेम्पा डॉट को पुट करते हैं साइड पे, तो याद रखना ये ब्लू डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जहां तक ब्लू डॉट है वहां से काउंट करना, ये 96 का है, 97 का है, 98 का, 98 के बाद में 1, 2, 3, 4 डॉट है, तो पहला डॉट होगा 98 कहलाएगा, दूसरा 98.2 कहलाएगा, तीसरा 98.4 कहलाएगा, चौथा 98.6 कहलाएगा। मतलब दैट इज अ वे हाउ टू, अगेन बता रहा हूं, इस तरीके का टेम्पा डॉट होगा बच्चों। यू कैन सी इधर रीडिंग लिखा होगा 96, इधर रीडिंग लिखा 96 लिखा होगा, 97 लिखा होगा, 98 लिखा होगा, इधर 0 लिखा होगा, 0.2 लिखा होगा, 0.4 लिखा होगा, 0.6 होगा। जहां पर ये डॉट ब्लू होता जाएगा तो उस तक आपको काउंट करना, मतलब यहां पर आप देखोगे 96 एग्जैक्टली होगा तो यहां तक ब्लू होगा, ये फर्दर ब्लू हुआ, फर्दर हुआ 98 पे पहुंचा, फिर 1, 2, 3, 4 डॉट ब्लू है, तो 4 डॉट पे क्या आ गया बेटा, 0.6 आ गया, तो कितना हो गया 98.6, कितना हो गया 98.6। गॉट इट एवरीवन, ओके फाइन। दूसरा मैंने सेल्सियस में पुट किया है, तो एक तरफ सेल्सियस का है, दूसरा तरफ मैंने पुट किया, दैट इज अ फारेनहाइट। आई होप गॉट इट एवरीवन, ओके। अब मैं आपको एक वीडियो शो करूंगा, और वीडियो में दिखेगा कि एज ए नर्स हाउ कैन कंडक्ट टू टेकिंग दैट टेम्पा डॉट्स टेम्परेचर, कैसे लिया जाएगा। आई होप यू आर गोइंग टू सी। सभी देखिएगा, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसमें ही पता चलेगा आपको एग्जैक्टली। यू कैन सी एवरीवन। कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, वीडियो बेस पूछा जा सकता है, वीडियो देख के आपको पता लगाना है कि कौन सा तरीका है टेम्परेचर मेजर करने का। यू कैन सी एवरीवन, ये जो दिख रहा है ये डिस्कार्ड किया जा रहा है, टेम्पर डॉट को डिस्कार्ड किया जा रहा है, ये टेम्पर डॉट का रीडिंग चेक करने का तरीका है, दैट यू कैन सी एवरीवन। See that. How to monitor by the temper dot? ये patient है, the dear nurses, देखिए dear nurses वहां पर पहुंची है, temper dot की strip निकाली जा रही है। You can see everyone, temper dot की strip निकाली जा रही है, patient के tongue के नीचे put की जा रही है, put करने के बाद में wait किया जा रहा है, कितना wait? Oral का मैंने बताया था, wait for 60 second, और 60 second के बाद में temper dot को remove करना है, इस टेम्पा डॉट को रिमूव करना है।
देन विद इन 10 सेकंड में आपको रीडिंग को देखना है और इस पेशेंट का रीडिंग 99.2 दिख रहा है, 99.2 दिख रहा है, फिर ले जाके इसको डिस्कार्ड कर देना, फिर ले जाके इसको डिस्कार्ड कर देना। ओके फाइन, गॉट इट। ओके, यहां पर आप फर्दर देख सकते हो ये एक्जिला में पुट किया जा रहा है, एक्जिला में पुट किया जा रहा है। मैंने दोनों साइड्स भी आपको बहुत अच्छे से बताई थी, 3 मिनट तक वेट करना एक्जिला में, फिर निकालना है, फिर रीडिंग को चेक करना, वेट फॉर 10 सेकेंड। यहां पर आपको 98.8 मिला है, 98.8 मिला है। ये रीडिंग चेक करने के बाद रेक्टम में पुट करने का तरीका देखिएगा, इस स्ट्रिप को पैक करते हैं, पैक करने के बाद पुट किया जाता है, स्ट्रिप को पैक करने के बाद पुट किया जाता है। आप देख सकते हो स्ट्रिप के साथ एक पैकिंग दिख रहा है, ये तरीका इसको पैक करने का, दिस इज द वे हाउ टू पैक इट, दिस इज द वे हाउ टू पैक इट। ओके फाइन, पैकिंग किया, कवर किया, कवर करने के बाद में इसको रेक्टम में पुट किया जाता है। ओके फाइन, सी दैट एवरीवन, हमने रेक्टम में पुट किया, पुट करने के बाद 3 मिनट वेट किया, 3 मिनट वेट करने के बाद रीडिंग को निकाला, तो आपको उसी कवर से टेम्पा डॉट को निकालना है, टेम्पा डॉट को निकालना है, और निकालने के बाद फिर 10 सेकंड वेट करना है और रीडिंग को फिर आपको डिस्कार्ड कर देना है, फिर आपको डिस्कार्ड कर देना। दैट इज अ वे, दैट इज अ वे बच्चों, हाउ टू चेक, दैट इज अ वे हाउ टू चेक, गॉट इट एवरीवन। तो ये डेली एम्स ने पूछा था, होप ये दोबारा रिपीट होता तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार आप गलत नहीं करोगे, इस बार आप गलत नहीं करते। ओके फाइन, अब हम बात करते हैं कि जो थर्मामीटर होता है उसमें हम किसको यूज करते हैं, उसमें मर्क्यूरी को यूज करते हैं। मर्क्यूरी को क्यों यूज करते हैं बच्चों, कि वो हीट सेंसिटिव होता है। मर्क्यूरी को क्यों यूज करते हैं बच्चों, वो हीट सेंसिटिव होता है। आई वॉज पुटिंग हियर, हीट सेंसिटिव होता है, तो जैसे ही हीटअप होगा तो मर्क्यूरी फ्लक्चुएट करता है, मर्क्यूरी फ्लक्चुएट करता है, दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू रिफ्लेक्ट, दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू रिफ्लेक्ट रीडिंग ऑफ टेम्परेचर। अब क्या होता है, जैसे ही क्या होता है, मैं लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जैसे ही आप थर्मामीटर को साइड से निकालोगे, तो आई लेवल पे देखना है। हम क्या करते हैं ऐसे देखते हैं या फिर ऐसे देखते हैं, फिर देखते हैं दिख ही नहीं रहा है। एग्जैक्ट तरीका कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या पूछेंगे, एग्जैक्ट तरीका, होल्ड थर्मामीटर एट आई लेवल, यू कैन सी एवरीवन, दैट इज अ वे हाउ टू चेक द रीडिंग ऑफ टेम्परेचर, दैट इज अ वे हाउ टू चेक द रीडिंग ऑफ टेम्परेचर, गॉट इट एवरीवन, एट द आई लेवल। और याद रखना बच्चों, ब्लड प्रेशर चेक करते समय भी आई लेवल पे देखना है, याद रखना। यूरिन आउटपुट चेक करते समय ड्रेनेज जो बैग होगा, उस ड्रेनेज बैग को भी कौन से लेवल पे चेक करते हैं, आई लेवल पे चेक करते हैं। हम क्या करते हैं, आउटपुट देखना है तो ऐसे देखते हैं, ऐसे नहीं, यूरिनरी बैग को आई लेवल पे, आपको आई लेवल पे रख के देखना है, देन ओनली यू आर गेटिंग एक्यूरेट रीडिंग। ध्यान रखना, ये तीनों कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। अनामिका रानावत, वेलकम टू जेआईएनसी प्रीमियम, थैंक यू सो मच डियर। तो ये तीन एमसीक्यू बनते हैं कि जब भी टेम्परेचर की रीडिंग मॉनिटर करते हैं तो कौन से लेवल पे देखना। एग्जैक्टली आप आई के लेवल पे पुट करोगे तो आपको ब्लैक कलर का मर्क्यूरी दिखेगा। दूसरा, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते समय मैंने आपको पढ़ाया था, बीपी में आपको पढ़ाया था, कार्डियोवास्कुलर में आई लेवल पे देखते हैं, और यूरिन आउटपुट जब यूरिनरी बैग में होगा यूरिन, उसका अमाउंट भी आई लेवल पे देखेंगे। गॉट इट एवरीवन। ओके फाइन, विल गो फर्दर। नेक्स्ट आता क्लीनअप। कुछ बच्चों की काफी जिज्ञासा हो रही थी, कैसा होगा सर, कैसा। मैंने कहा था, मैं आप सोच नहीं रहे हो, हर एमसीक्यू में आप तक पहुंचाने का वादा आपसे किया है। अब बिल्कुल साथ साथ चलते रहिएगा, एवरीथिंग आई विल ट्राई टू डिलीवर टूवर्ड्स यू। आपकी ईमानदारी को आप बिल्कुल बनाए रखें, क्योंकि काफी ये चीजें अच्छी नहीं लगी मुझे। मैं हमेशा कहता हूं जेआईएनसी यूट्यूब चैनल पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये एजुकेशनल सेंटर है, यहां लोगों की लाइफ बनाई जाती है, तो मुझे उन बच्चों की बिल्कुल जरूरत नहीं है जो टाइम पास करने आते हैं, मुझे वो बच्चे चाहिए जो मेरी तरह मेहनत कर सकते हैं। विकास, थैंक यू, इसलिए मैं बार बार आपको हिंट दे रहा हूं, आई वॉन्ट ओनली, चाहे कम बच्चे होंगे, इतना मेहनत करवाऊंगा, इतनी मेहनत करूंगा, सिलेक्शन तो होगा ही। तो ध्यान रखिएगा, ये पिकनिक आपने देखा होगा, आई नेवर अलाउ जो भी टाइम पास करने आते हैं। हाँ ठीक है, कुछ चाहने वाले हैं, डिसलाइक करने आके चले जाते हैं, वो शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं, बट जो मेहनत करने वाले हैं वो मुझे कम से कम अपने आप को ये तो रिप्रेजेंट करे, सर आई एम हॉनेस्ट स्टूडेंट जेआईएनसी। और रिप्रेजेंट करने का एक ही तरीका आपसे पूछा कि लोगो लगाना ना मुझे, वो आप नहीं कर पा रहे, दुख की बात है।
क्लीनअप की बात करें, देखिए बच्चों मैं दो चीजें यहां और क्लियर कर देता हूं, हम लोग जब भी किसी पेशेंट का टेम्परेचर चेक करते हैं, अपन टेम्परेचर चेक करने से पहले, साइट पे लगाने से पहले, साइट पे लगाने के बाद, दो तरीका होता है क्लीनअप करने का। यहां पर आप देखिएगा, सबसे पहले बिफोर टेकिंग टेम्परेचर क्लीन थर्मामीटर फ्रॉम बल्ब टू स्टीम, और आफ्टर टेकिंग टेम्परेचर क्लीन थर्मामीटर फ्रॉम स्टेम टू बल्ब। यहां पर काफी चीजें मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, जो बहुत सारे क्वेश्चन को मैं यहां डिस्कस करना चाहूंगा। क्लीनअप की बात आई जब, कि थर्मामीटर को कैसे क्लीन किया जाता है, थर्मामीटर को कैसे क्लीन किया जाता है, दैट यू कैन सी एवरीवन, दैट यू कैन सी, सपोज माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ये आपका थर्मामीटर, ये आपका थर्मामीटर है, और ये थर्मामीटर का जो दिख रहा है ये बल्ब है, ये थर्मामीटर का बल्ब है, और ये जो दिख रहा है थर्मामीटर का स्टेम, ये थर्मामीटर का स्टेम, दैट वी कैन से स्टेम, ये स्टेम है, और ये जो दिख रहा है ये बल्ब है, ये जो दिख रहा है बल्ब है। देखिए दो तरीके याद रखने का, बहुत इजी तरीका मैं बता देता हूं। बिफोर टेकिंग टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर जब आप नहीं ले रहे हो, टेम्परेचर टेकिंग या पुट करने, साइट पे पुट करने से पहले की बात करें, तो पुट कौन सा एरिया करते हैं हम लोग, बल्ब करते हैं, कौन सा एरिया पुट करते हैं, जैसे ही पुट करोगे तो कंटामिनेटेड हो जाएगा, पुट करोगे वो कंटामिनेटेड हो जाएगा। तो आपको पुट करने से पहले क्या करना बच्चों, फ्रॉम बल्ब टू स्टेम, पुट करने से पहले तो आपको बल्ब से किधर क्लीन करना है, बल्ब से स्टेम की ओर क्लीन करना है, यू कैन सी एवरीवन, क्योंकि पुट करने के बाद में ये जो पोर्शन है, दैट पोर्शन इज गोइंग टू बी डीकंटामिनेटेड। और पुट करने से पहले बल्ब टू स्टेम क्यों करें, क्योंकि स्टेम वो हिस्सा होता है जहां होल्ड करते हैं, हम होल्ड करते हैं, इट रिस्क टू डेवलप कंटामिनेशन। तो थर्मामीटर को लगाने से पहले बल्ब से स्टेम की ओर ऐसे क्लीन करना, देखिए ऐसे ऐसे नहीं करना है, एक बार गॉस पीस को लेना है, थर्मामीटर को पकड़ना है, और इस तरीके से क्लीन करते हुए बल्ब से किधर आना स्टेम, बल्ब से किस तरफ आना स्टेम की तरफ आना है। तो बल्ब से स्टेम क्लीन करने का तरीका कब होगा बच्चों, बिफोर टेकिंग टेम्परेचर। इसका मतलब गॉट इट एवरीवन, इसका मतलब है लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड, लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड, ये फंडा याद रखना, कम से अधिक कंटामिनेशन की तरफ जाना, लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड। दूसरी बात, आफ्टर टेकिंग टेम्परेचर क्लीन द थर्मामीटर फ्रॉम स्टेम टू बल्ब, मतलब जैसे ही आपने पेशेंट का थर्मामीटर वहां से निकाला तो जो साइट था, जो बल्ब था, वो कंटामिनेटेड हो गया, और कंटामिनेटेड हो गया है तो बाहर निकालने के बाद में बच्चों कहां से कहां, स्टेम से किधर जाना है, बल्ब की ओर, स्टेम से किधर जाना है, बल्ब की ओर। ये दो चीजें हमेशा याद रखना, लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड, फिर से बता रहा हूं एक बार और, लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड, मतलब आपको क्या करना है, लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड। मैं कुछ एग्जांपल और आपको बताना चाहता हूं, देखिए यदि हम बात करें बच्चों फ्रेश हुंड की बात करें, यदि हम बात करें फ्रेश हुंड, मतलब आपको इंजरी हुआ है, चोट लगा है, इंजरी हुआ है, चोट लगा है, ये आपका हुंड है, फ्रेश हुंड है, फ्रेश हुंड को कहां से कहां क्लीन करता है, बड़ा आसान रास्ता है। फ्रेश हुंड जो होगा तो सबसे पहले गोस्ट पीस को कहां पुट करना बच्चों, सेंटर, कहां पुट करना है, सेंटर पे पुट करना है, और सेंटर पे गॉस पीस को पुट करने के बाद में सेंटर से किधर आना आपको, पेरिफ्री आना, सेंटर से किधर आना बच्चों, पेरिफ्री आना है, ये क्या हो गया, पेरिफ्री, पेरिफ्रल, पेरिफ्रल, मतलब फ्रेश हुंड को क्लीन करने का तरीका बता रहा हूं, फ्रेश हुंड को हाउ टू क्लीन, क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है, फ्रेश हुंड को कैसे क्लीन किया जाता है, सेंटर टू पेरिफ्री, किधर बच्चों, सेंटर टू पेरिफ्री, मतलब अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर बोल सकते हैं, सेंटर को हम क्या बोलते हैं, हम इनर बोल सकते हैं, और पेरिफ्री को हम क्या बोल सकते हैं, आउटर बोल सकते हैं। इसको एक और टर्म्स में डिस्क्राइब करें, यदि हम बोले सेंटर टू पेरिफ्री का मतलब हो गया बच्चों लेस कंटामिनेटेड, देखिए लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड, लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड, मतलब कम से ज्यादा की ओर जाना। देखिए ध्यान से, सेंटर टू पेरिफ्री बच्चों, सेंटर टू पेरिफ्री, गॉट इट एवरीवन, सेंटर टू पेरिफ्री आपको क्लीन करना है। हम लोग क्या करते हैं, साइड से क्लीन करके सेंटर पे छोड़ देते हैं, ये गलत तरीका है, रॉन्ग वे है, इससे इंफेक्शन और स्प्रेड होता है, इंफेक्शन और स्प्रेड होता है। फ्रेश हुंड की जब भी बात होगी बच्चों तो सेंटर टू पेरिफ्री क्लीन करना, इनर टू आउटर क्लीन करना, गॉट इट एवरीवन। एक और एग्जांपल आपको बताता हूं, एक और एग्जांपल बताता हूं, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ध्यान से देखना,
ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ये मैं आपको कैंसर में पढ़ाऊंगा, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की यदि हम बात करें, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की हम बात करें बच्चों, तो याद रखना सेंटर टू पेरिफ्री, सेंटर टू पेरिफ्री, दिस इज अगेन ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते समय ब्रेस्ट को पेल्पेट कहां से किया जाता है, सेंटर टू पेरिफ्री पेल्पेट किया जाता है। ये अगेन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन है, अगेन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किसमें करते हैं हम, ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंटिव रूप में यूज करते हैं इस इन्वेस्टिगेशन को, और सेंटर टू पेरिफ्री, गॉट इट, अगेन इनर टू आउटर, अगेन इनर टू आउटर, गॉट इट एवरीवन। एक और कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन बताता हूं, एक और क्वेश्चन बताता हूं, बेडसोर। देखिए बच्चों, यदि हम बात करें बेडसोर, बेडसोर को हम डेक्यूबाइटिस, बेडसोर को हम डेक्यूबाइटिस अल्सर भी बोलते हैं, इसको हम प्रेशर सोर भी बोलते हैं, इसको हम प्रेशर सोर भी बोलते हैं। देखिए बहुत सारे नाम है, बेडसोर, डेक्यूबाइटिस अल्सर, प्रेशर सोर। याद रखना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इसको हम कंटामिनेटेड हुंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड हुंड होता है, कंटामिनेटेड हुंड होता है, और कंटामिनेटेड हुंड जो है वो पेरिफ्री टू सेंटर आएगा। ध्यान से देखना बच्चों, ये पेरिफ्री टू सेंटर क्लीन किया जाता है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम आया, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम आया, दैट मींस बाहर जो है इसको पेरिफ्री बोलते हैं, अंदर जो है सेंटर बोलते हैं, बाहर से अंदर की ओर आएगा। याद रखना ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, बेड सोर कंटामिनेटेड हुंड होता है, कभी कभी कंटामिनेटेड हुंड लिखा आएगा, कभी कभी बेड सोर लिखा आएगा, तो याद रखना बाहर से अंदर की ओर आना है, बाहर से अंदर की ओर आना है, पेरिफ्री टू सेंटर आना है, पेरिफ्री टू सेंटर आना है। गॉट इट एवरीवन, दीज थ्री एमसीक्यू विल बी कमिंग योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। आई थिंक ये छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको और मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि थर्मामीटर को क्लीन बिफोर एंड आफ्टर बताया, उसके अलावा फ्रेश हुंड को क्लीन करने का तरीका बताया, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करने का तरीका बताया, और उसके साथ आपने देखा कंटामिनेटेड हुंड को क्लीन करने का तरीका बताया। गॉट इट एवरीवन, पांच एमसीक्यू हमने प्रिपेयर किया और फाइव कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन। ओके फाइन, देन अगेन आगे चलता हूं मैं आपको फर्दर। अब क्या बात आती है, आप बहुत ही डियर नर्सेस जो काम करते हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स, आप जब भी पेशेंट का वाइटल साइन मॉनिटर करते हैं, तो वाइटल साइन मॉनिटर करने के बाद में क्या क्या गलतियां करते हैं, मैं आज बताना चाहूंगा आपको। सबसे पहले आपको करना क्या होता है, किसी भी पेशेंट का वाइटल साइन मॉनिटर करने के बाद का तरीका, बच्चों बाद का तरीका, हम क्या करते हैं शॉर्ट में बहुत कुछ निपटा देते हैं। सबसे पहले थर्मामीटर को किससे क्लीन किया जाता है, स्पिरिट से। सबसे पहले थर्मामीटर को किससे क्लीन किया जाता है, स्पिरिट से। ओके फाइन, उसके बाद में सोप वाटर में डालते हैं, उसके बाद में प्लेन वाटर में डालते हैं, और उसके बाद में डिसइंफेक्टेड सॉल्यूशन में डालते हैं। आपने सुना होगा बच्चों टीपीआर ट्रे पड़ा होगा, आई थिंक एवरीबॉडी नो वेरी वेल टीपीआर ट्रे पड़ा होगा, और इस तरह की टीपीआर ट्रे होती है, और टीपीआर ट्रे में तीन बोतल होगा। ध्यान से देखना ये तीन बोतल कौन कौन सा, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर मैंने पुट किया है, सबसे पहले वाला जो बोतल है इसमें क्या होगा बच्चों, सोप वाटर होगा, इसमें सोप वाटर होगा। दूसरी बोतल में क्या होगा, प्लेन वाटर होगा। और तीसरी बोतल में क्या होगा, सेवलॉन हो सकता है, लाइसोल हो सकता है, डिटॉल हो सकता है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है। याद होगा जब आप फंडामेंटल के प्रैक्टिकल के लिए, फंडामेंटल प्रैक्टिकल के लिए टीपीआर ट्रे सेट करना पड़ता है, टीचर कहता सेट द टीपीआर ट्रे, आई वॉन्ट टू सी, उस समय दिक्कत होती है। गॉट इट एवरीवन। ओके फाइन, संगीता चौधरी ये पेशेंट के माउथ से निकालने के बाद की बात कर रहे हैं, बेटा ध्यान से देखना। क्लीन विथ स्पिरिट, सबसे पहले क्लीन किया, फिर सोप वाटर में डाला, फिर प्लेन वाटर में डाला, फिर डिसइंफेक्टेड सॉल्यूशन में डाला, और कितने मिनट का प्रोसेस है, 30 मिनट्स। आप 30 मिनट में 30 पेशेंट को निपटा देते हो, और यह 30 मिनट एक पेशेंट को फ्री करने में चाहिए। ध्यान रखना कितनी भयानक गलती करते हैं हम लोग, यहां मैंने क्या बोला, ये एक पेशेंट से फ्री होने के बाद अगले पेशेंट के पास जाने से पहले का मैकेनिज्म है, 30 मिनट में आपका थर्मामीटर जो है वो फ्री होता है, 30 मिनट से आपका थर्मामीटर जो है वो कंप्लीटली फ्री होता है। गॉट इट एवरीवन, That is a way how to disinfect it. After taking temperature. Temperature लेने के बाद की काम बता रहा हूं, temperature लेने के बाद का क्लीन करने का तरीका बताया,
फिर स्पिरिट सोप से क्लीन करते हैं, सोप वाटर, प्लेन वाटर, डिसइंफेक्टेड सॉल्यूशन में आगे बताऊंगा, देन टोटल ड्यूरेशन माय डियर 30 मिनट। और हम तो 30 मिनट में 30 पेशेंट निपटा देते हैं। टोटली रॉन्ग वे, टोटली रॉन्ग वे, दैट इज अ राइट वे। आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में राइट वे पे जाना है, राइट प्रिंसिपल पे पढ़ना है। ओके फाइन, ओके फाइन। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा, आप लोग जब हॉस्पिटल में फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल ड्यूटी जाते हो तो देखा होगा कि अलग अलग कलर के पेन डाल के जाते हो। पता है आपको पेन का यूज क्या है? पेन रखते हो, स्टेथोस्कोप रखते हो, इंची टेप रखते हो, नेल कटर रखते हो, पॉकेट डायरी रखते हो, ये सारे आर्टिकल्स आपके पास होते हैं। और आर्टिकल का मीनिंग पता होना चाहिए। तीन पेन यूज करते हैं। जब आपकी लैंप लाइटिंग हुई होगी, शपथ ग्रहण समारोह हुआ होगा कि मैं डियर नर्सेस, शपथ ग्रहण समारोह आपके फोटो में देख लीजिए, सबने तीन पेन लगा रखे हैं और तीनों पेन का मीनिंग नहीं पता होगा, कुछ बच्चों को पता होगा। देखिए, याद रखना, यदि हम बात करें, एक रेड पेन हमेशा याद रखना बच्चों, रेड पेन का यूज है टेम्परेचर की वैल्यू। क्या नोट करते हैं हम लोग रेड पेन से? टेम्परेचर। रेड पेन जहां पर भी यूज करते हैं तो रेड पेन से टेम्परेचर, टीपीआर जो चार्ट होता है, टीपीआर चार्ट में टेम्परेचर की रीडिंग को रिफ्लेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चों? रेड पेन का। उसके अलावा आपने देखा होगा ब्लू पेन यूज करते हैं। और ब्लू पेन का दो काम है, रेस्पिरेटरी रेट और पल्स रेट। रेस्पिरेटरी रेट और पल्स रेट को लिखना है तो ब्लू पेन का यूज करते हैं। एक और पेन आपने देखा होगा ब्लैक पेन। बच्चों याद रखना, ब्लैक से ब्लड प्रेशर की रीडिंग को नोट करना, आज के बाद कोई आपसे पूछे कि ये तीन पेन पॉकेट में क्यों लगा के रखे आपने, आपके पास जवाब होना चाहिए। रेड, ब्लू, ब्लैक फोटो में अच्छे लगते हैं बट मीनिंग भी पता होना चाहिए। और ये यूज कहां होता है बच्चों, याद रखना, टीपीआर चार्ट जो होता है, टीपीआर चार्ट में हम लोग टीपीआर चार्टिंग करते हैं। फर्स्ट ईयर के दिन याद दिला रहा हूं आपको, फर्स्ट ईयर के दिन, अभी तो बदमाश हो गए आप शायद नहीं करते होंगे, मैं फर्स्ट ईयर का दिन याद दिला रहा हूं। टीपीआर चार्ट की यदि हम बात करें तो टीपीआर चार्ट में हम अलग अलग वैल्यू को पुट करते हैं। रेड पेन का यूज रखना टेम्परेचर, ब्लू पेन का उपयोग रखना रेस्पिरेटरी रेट और पल्स रेट, और ब्लैक पेन याद रखना ब्लड प्रेशर। आज के बाद जब टीचर बन जाओ, कभी टीचर बन जाओ तो बच्चे पूछे तो जवाब जरूर देना कि इन तीनों पेन का यूज क्या है, गॉट इट एवरीवन? ओके फाइन। ग्रीन नहीं रखना, ये प्रिंसिपल यूज, ग्रीन पेन मत रखना। ओके फाइन। अब हमने यहां बात की बच्चों कि डिसइंफेक्टेड सॉल्यूशन में पुट करते हैं, तो आपको बताना चाहूंगा कि कौन कौन से डिसइंफेक्टेड सॉल्यूशन हम यूज करते हैं और किस किस पे क्वेश्चन बन सकता है। इसमें तीन चीजें याद रखना, ये डिसइंफेक्टेड का नाम है, ये स्ट्रेंथ है, ये टाइम है। देखिए बच्चों, हम तीन तरह के डिसइंफेक्टेड पढ़ते हैं, हाई लेवल डिसइंफेक्टेड, इंटरमीडियल या मीडियम लेवल और डिसइंफेक्टेड, और लो लेवल। तीन तरह के, मैं आपको माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ाऊंगा, तीन लेवल के डिसइंफेक्टेड सब्सटेंस पढ़ते हैं। हाई लेवल का बेस्ट एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा H2O2, हाइड्रोजन परोक्साइड। हाई लेवल होता है, मीडियम लेवल होता है, लो लेवल। ये जो डिसइंफेक्टेड है ये कौन से बच्चों, ये लो लेवल कौन से है, लो लेवल डिसइंफेक्टेड, ध्यान रखना, लो लेवल डिसइंफेक्टेड है जिसमें डिटॉल है, सेवलॉन है, लाइसोल है, फेरनॉल है, चार चीजें। क्वेश्चन कहां पूछेंगे मैं आपको भी बता देता हूं। ये जो स्ट्रेंथ का मतलब होता है रेशियो का मतलब 1 ml क्या लेना है डिटॉल और उसमें 40 ml क्या डालना बच्चों, वाटर, 40 ml क्या डालना वाटर, इस रेशियो को क्या बोलते हैं 1:40, इस रेशियो को क्या बोलते हैं 1:40। थैंक यू सो मच निशा। इस रेशियो को हम क्या बोलेंगे बच्चों, 1:40, मतलब 1 ml आपने डिटॉल लिया और 40 ml उसमें क्या डाला वाटर, 40 ml क्या डाला वाटर। इस रेशियो से आपको सब्सटेंस को प्रिपेयर करना पड़ता है, गॉट इट एवरीवन? एग्जाम में क्या पूछेंगे, कितने टाइम तक उसमें रखना है, उस डिसइंफेक्टेड सब्सटेंस में ड्यूरेशन पूछा है कि थर्मामीटर को आपने डाल दिया तो थर्मामीटर को कितने टाइम तक उस डिसइंफेक्टेड के अंदर रख के रखना है, तो आपको आंसर क्या लिखना, 5 मिनट। अब यह याद रखने का तरीका बताता हूं, सारे डिसइंफेक्टेड का रेशियो 1:40 है एक्सेप्ट सेवलॉन, और ये क्वेश्चन ही एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, सेवलॉन का कितना 1:20, सेवलॉन का कितना 1:20, समझ में आ रहा बिल्कुल, सेवलॉन का कितना 1:20 और सेवलॉन का 1:20 है, बाकी सबका कितना 1:40, दूसरी टाइप।
सबका टाइम 5-5 मिनट है, लाइसोल का टाइम कितना 3 मिनट। दो चीजें याद रखना है, सेवलॉन का रेशियो अलग है, लाइसोल का टाइम अलग है, ये दो चीजें आपको याद रखना होगा। और चारों सब्सटेंस किस में आते हैं, लो लेवल डिसइंफेक्टेड, याद रखिएगा। ये यहां पर मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि ये चार तरह के डिसइंफेक्टेंट आपके सामने, चारों का स्ट्रेंथ का मतलब याद रखना है बच्चों, रेशियो, स्ट्रेंथ का मतलब याद रखना रेशियो। रेशियो पूछेंगे 1:40, 1:20, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, और इसका ड्यूरेशन भी कभी पूछे तो 5 मिनट लिखना, 5 मिनट। आई होप इट विल अंडरस्टैंड एवरीवन, आई होप आपको सब चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही। हम फर्स्ट ईयर की फंडामेंटल को रिवाइज कर रहे हैं, उस समय हम बदमाशी करते थे, आज हम सीरियसली पढ़ रहे हैं, बहुत इजिली आपको समझ में आ रहा है ना। गॉट इट एवरीवन, ओके फाइन। ये तो मैंने बात की डिसइंफेक्टेड सब्सटेंस की, उसका ड्यूरेशन बताया कितने टाइम तक थर्मामीटर उसके अंदर छोड़ना है, ओके फाइन। विल गो फर्दर, क्वेश्चन को देखिएगा। इट इज द ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ बॉडी टेम्परेचर आफ्टर डेथ, ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ बॉडी टेम्परेचर आफ्टर डेथ क्या कहा जाएगा। एक क्वेश्चन यहां बनता है, एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन यहां बनता है, लिवर मोटिस, राइगर मोटिस, अलगार मोटिस, नन ऑफ दीज। यहां चार मोटिस, यहां चार मोटिस आपको पढ़ाऊंगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, याद रखिएगा। चारों में से क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को मिलेगा इस बार एम्स में, एम्स नॉर्सेट 2020 का क्वेश्चन हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। सुजाता थैंक यू सो मच। चार टर्म्स मैंने लिखा है, लिवर मोटिस, राइगर मोटिस, अलगार मोटिस, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन क्या है, ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ बॉडी टेम्परेचर आफ्टर डेथ, मतलब पेशेंट की डेथ होने के बाद धीरे धीरे बॉडी का टेम्परेचर कम होना क्या कहलाता है, धीरे धीरे बॉडी का टेम्परेचर कम होना क्या कहलाएगा। ए बी सी डी, ए बी सी डी, पुट द राइट आंसर एवरीवन, इट्स इजी टू रिमेंबर। डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, स्टिफनेस ऑफ द बॉडी मसल्स इंपॉर्टेंट है। आंसर पुट करेगा, अलगार लिखा है, लिवर लिखा है, राइगर लिखा है, बहुत इजी। ज्यादातर बच्चों ने आंसर पुट किया सी, ज्यादातर बच्चों ने आंसर पुट किया सी। और जब ज्यादा रेशियो जिधर होता है वो हमेशा राइट होता है, वो हमेशा राइट होता है। मैं बताना चाहूंगा, यहां मैं बताना चाहूंगा, अलगार मोटिस क्या होता है, राइगर मोटिस क्या होता है, लिवर मोटिस क्या होता है, एक और बताऊंगा ब्लू मोटिस, एक मैं आपको और बताऊंगा ब्लू मोटिस क्या होता है। हम तीनों चीजों को डिफरेंट वे से जानेंगे। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ते हैं, एक लिखा मैंने अलगार मोटिस का दूसरा नाम है, ये भी जानना यह जरूरी है, ये जानना क्यों जरूरी है। अलगार मोटिस को हम क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम कूलिंग, ध्यान से देखना, पोस्टमार्टम कूलिंग, बॉडी कूल अबाउट 1.5 to 1.5 Fahrenheit पर आवर अंटिल रीचिंग टू द एम्बियंट। देखिए बच्चों, एम्बियंट का मीनिंग होता है रूम टेम्परेचर, एम्बियंट का मीनिंग होगा रूम टेम्परेचर। ध्यान से देखना आपकी बॉडी का टेम्परेचर, देखिए यहां, यहां पर पढ़िए, ह्यूमन जो बॉडी है, ह्यूमन जो बॉडी है उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होगा या 98.6 डिग्री फारेनहाइट होगा, ये सभी को पता है, ये सभी को पता है। वही हम बात करें रूम टेम्परेचर, वही हम बात करें रूम टेम्परेचर, जिसका दूसरा नाम क्या बताया बच्चों, एम्बियंट टेम्परेचर, जिसका दूसरा नाम क्या, एम्बियंट टेम्परेचर। और ये नॉर्मली कितना होगा, 24 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल कितना होगा, 24 डिग्री सेल्सियस। अब देखना, अब क्या होता है, जैसी पेशेंट की डेथ होती है, जैसी पेशेंट की डेथ होगी तो आपका हाइपोथैलेमस काम करना बंद कर दिया, जब हाइपोथैलेमस काम करना बंद कर दिया तो टेम्परेचर रेगुलेट नहीं आएगा, तो टेम्परेचर क्या होने लगेगा, फॉल होने लगेगा। बट फॉल कितना होगा, रूम के टेम्परेचर तक फॉल होगा, फॉल कितना होगा, रूम के टेम्परेचर तक फॉल होगा, उसके बाद रूम के टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा तो फॉल नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या है कि डेथ होने के बाद बॉडी टेम्परेचर का डिक्रीज होना, नॉर्मल बॉडी कितना था 37 और डिक्रीज कहां तक होगा, रूम के टेम्परेचर तक, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, अलगार मोटिस। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे बच्चों, अलगार मोटिस। गॉट इट एवरीवन। दूसरा स्पीड पूछेंगे तो 1.5 डिग्री फारेनहाइट पर आवर के हिसाब से डिक्रीज होता है, 1.5 डिग्री फारेनहाइट पर आवर के हिसाब से बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा बच्चों, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा। गॉट इट एवरीवन, ओके फाइन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अब बात आती है दूसरे टर्म्स की, ये कहता है राइगर मोटिस, ये भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, राइगर मोटिस। देखिए बच्चों, मैंने यहां राइगर मोटिस पुट किया, ध्यान से देखना, दो क्वेश्चन बताऊंगा यहां पर। राइगर, स्टिफनेस ऑफ बॉडी जॉइंट एंड मसल्स, मतलब क्या होता है,
डेथ होने के बाद बॉडी क्या हो जाती है, स्टिफ हो जाती है। हाथ सीधे है तो सीधे रहेंगे, हाथ मुड़े तो मुड़े रहेंगे। तो स्टिफनेस ऑफ बॉडी मसल्स को क्या बोलते हैं, राइगर मोर्टिस ऑफ द बॉडी फ्यू आवर आफ्टर डेथ यूजुअली लास्टिंग 1 से 4 दिन तक स्टिफनेस होता है, मतलब डेथ होने के कुछ आवर्स के बाद स्टार्ट होता है। पुष्पा मेरा वेलकम टू जेएनसी एक्सक्लूसिव फैन, थैंक यू माय डियर। देखना बच्चों 1 to 4 days, डेथ होने के 1 to 4 days तक स्टिफनेस होता है। क्वेश्चन क्या आएगा कि राइगर मोर्टिस स्टार्ट कहां से होता है, आपको आंसर लिखना है ऑर्बिकुलरिस ऑक्युलाई। बहुत शानदार तरीके से आपको बताता हूं, हम डेथ होते तो सबसे पहले क्या करते हैं, डेथ होते तो क्या करते हैं, आईज को क्लोज करते हैं। पिक्चरों में देखा होगा, सीरियल में देखा होगा, आईज को क्लोज करते हैं। तो हम आई लिड की बात करें, ध्यान से देखना, यदि हम आई लिड की बात करें तो आई लिड में 2 मसल्स होती है, एक का नाम है ऑर्बिकुलरिस, ऑर्बिकुलरिस ऑक्युलाई, और एक होता है लिवोटर, एक होता है लिवोटर पाल्पीब्रे, पाल्पीब्रे सुपीरियरिस, लिवोटर पाल्पीब्रे सुपीरियरिस, ये 2 मसल्स है। और ये दोनों मसल्स किसकी, आईलिड की। किसकी मसल्स है बच्चों, आईलिड डज हैव 2 मसल्स, आईलिड डज हैव 2 मसल्स। आपके जो आईलिड है, आईलिड आपकी बॉडी की सबसे सबसे थिन स्किन होती है, पतला स्किन। क्वेश्चन आता है थिनेस्ट स्किन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो आंसर क्या लिखना, आईलिड। आंसर क्या लिखना, आईलिड। याद रखना आईलिड की एक मसल्स का नाम है ऑर्बिकुलरिस ऑक्युलाई, ये डेथ होने के बाद सबसे पहले, यस अनामिका बिल्कुल, सबसे पहले स्टिफ होने वाली जो मसल्स है बच्चा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका नाम है ऑर्बिकुलरिस ऑक्युलाई। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। और सबसे पहले राइगर मोर्टिस स्टार्ट कहां से होता है, आपको लिखना होगा मसल्स ऑफ आई, कहां से स्टार्ट होता है बच्चों, मसल ऑफ आई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार कॉन्ट्रीब्यूशन। डेथ के बाद सबसे पहले कौन सी मसल स्टिफ होती है, तो आपको आंसर लिखना होगा बच्चों यहां पर ऑर्बिकुलरिस ऑक्युलाई, ऑर्बिकुलरिस ऑक्युलाई। गॉट इट एवरीवन। तो एक तो था अलगा, देखिए एबीसीडी में ए पहले आता है तो बॉडी टेम्परेचर पहले डिक्रीज होता है, आर बाद में आता है तो स्टिफनेस बाद में स्टार्ट होता है, स्टिफनेस बाद में स्टार्ट होता है। दोनों चीजें यहां पर क्लियर करना है, दोनों चीजें यहां पर क्लियर करना है। पहला मैंने क्लियरली बताया था, बिल्कुल उर्मिला, पहला आपको बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है, दूसरे मैंने आपको बताया स्टिफनेस हो रहा है। 2 राइगर आपने यहां पर पढ़ा। नेक्स्ट हम चलते थर्ड की ओर। थर्ड में मैंने लिखा लिवर मोर्टिस, जिसका नाम है हाइपोस्टेसिस। देखिए लिवर मोर्टिस को हाइपोस्टेसिस बोलते हैं, ब्लूइश कलर ऑफ डेथ, ब्लूइश कलर ऑफ डेथ जो है, या इलेक्ट्रिकल बर्न की वजह से हो सकता है, इलेक्ट्रिकल बर्न की वजह से हो सकता है ब्लूइश कलर ऑफ डेथ, जिसको लिवर मोर्टिस बोलते हैं। और एक बच्चों होता है पैलर मोर्टिस, जिसको पेलनेस ऑफ डेथ बोलते हैं, और पेलनेस ऑफ डेथ का कॉज होता है लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, पेलनेस ऑफ डेथ का कॉज होता है बच्चों लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। और ये 4 तरह के मोर्टिस होता है, याद रखना, लिवर मोर्टिस जिसका दूसरा नाम है हाइपोस्टेसिस, ब्लूइश कलर ऑफ डेथ, पैलर मोर्टिस को बोलते हैं पेलनेस ऑफ द डेथ, जिसका कॉज क्या है लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, जिसका कॉज क्या है लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। गॉट इट एवरीवन। 4 things वी विल रिमेंबर, 4 चीजें हमने यहां पर देखा है। पहला देखा अलगार मोर्टिस, दूसरा लिवर मोर्टिस, दूसरा राइगर मोर्टिस, तीसरा लिवर मोर्टिस, चौथा पैलर मोर्टिस। अब इनमें से एक क्वेश्चन दिल्ली एम्स में आएगा, 2020 नॉर्थ सेट में आएगा, तो नेवर फॉरगेट क्वेश्चन अलगार और यहां पर राइगर इंपोर्टेंट। अलगार में ए पहले आता है तो याद रखना पहले बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होता है, आर बाद में आता है, याद रखना मसल जो है बाद में स्टिफ होता है, मसल जो है बाद में स्टिफ होता है। 2 things विल बी रिमेंबर फॉर कमिंग एग्जाम। ओके फाइन, हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, ओके फाइन, वी विल गो फॉर फर्दर एमसीक्यू। यहां पर आपने देखा कि मोर्टिस में राइगर मोर्टिस क्या है, अलगार मोर्टिस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिएशन, ये भी एक टाइप्स ऑफ फ्यूर का क्वेश्चन मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, जिसमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ओके फाइन, मैं डायरेक्टली पूरी स्लाइड को पुट कर देता हूं और आपको साथ में समझा देता हूं क्वेश्चन क्या बनता है, वो भी आपको बता देता हूं, ताकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप लोग फाइट करने में आपको मदद मिले। ओके फाइन, आई विल शो द 2 or 3 types, यहां पर आपको ध्यान से पढ़ना होगा 2 or 3 types मेनली जो फीवर के हो, हम यहां डिस्कस करेंगे बच्चों। क्वेश्चन क्या कहता है, वेरिएशन ऑफ मोर देन 2, देखिए मोर देन 2 degree, वेरिएशन ऑफ मोर देन 2 degree मॉर्निंग और इवनिंग बट डज नॉट रीच टू द नॉर्मल। मतलब क्या है, आपके टेम्परेचर में माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आपके बॉडी टेम्परेचर में वेरिएशन आ रहा है 2 degree से ज्यादा,
दो डिग्री ज्यादा मॉर्निंग और इवनिंग में बट डज नॉट कम टू द नॉर्मल। क्वेश्चन को समझना, मॉर्निंग और इवनिंग में बट डज नॉट कम टू द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल नहीं आ रहा है। जैसे आपका बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली 98.6 फारेनहाइट है, तो ये बढ़ करके 98 से क्या हो जाएगा 101 डिग्री फारेनहाइट हो गया। और इवनिंग में भी देखा जाए तो ये इससे बढ़ा हुआ रहेगा, मतलब मॉर्निंग और इवनिंग के टेम्परेचर में देखा जाए तो इसका वेरिएशन जो है मोर देन 2 डिग्री, ये याद रखना, मोर देन 2 डिग्री है बिटवीन इवनिंग और मॉर्निंग बट डज नॉट कम टू द नॉर्मल। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है, इसको हम रिमिटेंट फ्यूअर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिमिटेंट फ्यूअर का मतलब, रिमिटेंट फ्यूअर का मतलब क्या होता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, मतलब मॉर्निंग और इवनिंग का जो बॉडी टेम्परेचर है दैट विल मोर देन 2 डिग्री डज नॉट कम टू द नॉर्मल, does not come to the normal, that is a remittent fever. Remittent fever, इसको very 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 important लिखना है, very 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 important है, remittent fever. दूसरा question यहाँ पर important है, दूसरा क्या लिखा है? Constant or continuous fever, the temperature variation not more than 2 degree. ये फरक आपको याद रखना है, ये फरक आपको याद रखना है. Remittent का मतलब 2 degree से ज्यादा, और constant का मतलब 2 डिग्री से ज्यादा नहीं, कांस्टेंट का मतलब 2 डिग्री से ज्यादा नहीं, नॉट मोर देन द 2 डिग्री बिटवीन मॉर्निंग और इवनिंग बट डज नॉट नॉर्मल फॉर अ पीरियड ऑफ डे और वीक। दोनों में फर्क समझना बच्चों, यदि मॉर्निंग और इवनिंग के टेम्परेचर में 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ा हुआ तो रिमिटेंट फीवर कहलाएगा, और 2 डिग्री से कम बढ़ा हुआ नॉर्मल नहीं आ रहा है वो कांस्टेंट, कांस्टेंट और कंटिन्यू, ये दोनों टर्म्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट विल बी कमिंग, ये क्वेश्चन रिमिटेंट वाला हमेशा आता है। रिमिटेंट से याद रखना 2 डिग्री से ज्यादा डिफरेंस मॉर्निंग और इवनिंग में, देन कंटिन्यूस से याद रखना या कॉन्स्टेंट से याद रखना 2 डिग्री से ज्यादा नहीं, 2 डिग्री से ज्यादा नहीं, दोनों क्लियर हो गया। रिमिटेंट कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का मतलब 2 डिग्री से ज्यादा नहीं, रिमिटेंट का मतलब 2 डिग्री से ज्यादा, ओके फाइन। नेक्स्ट मैंने लिखा इंटरमीटेंट और क्वाटिडियन फीवर, यह भी इंपॉर्टेंट बच्चों, इंटरमीटेंट और क्वाटिडियन फीवर लिखा है the temperature rise from normal to high fever back to the regular interval few hours to 3 days. मैंने example लिखा septicemia, देखिए intermittent का मतलब याद रखना interval, intermittent का मतलब याद रखना बच्चों interval, और ये intermittent fever septicemia में होता है, और हम बोल सकते हैं malaria में भी होता है, malaria भी होता है, और याद रखना malaria जो है ये parasitic infection है, मलेरिया जो है ये पैरासाइटिक इंफेक्शन, गॉट इट एवरीवन। यहां पे लिखा है यदि पेशेंट का टेम्परेचर जो है वो राइज होगा नॉर्मल से ज्यादा, वापस आने में कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक का टाइम लेता है, नॉर्मल आने में कुछ घंटों से कुछ दिनों तक का टाइम लगता है, तो तीन टर्म्स पुटा है। यदि फीवर जो है पर डे आता और ठीक हो जाता है, ये प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, देखिए माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम वन ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज मलेरिया, ये मलेरिया का कॉज है, और यदि पेशेंट को प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम की वजह से मलेरिया हुआ है तो उस पेशेंट को हर दिन फीवर आएगा फीवर उतरेगा, हर दिन फीवर आएगा फीवर उतरेगा। वही टर्टियन का मतलब लिखा है फीवर स्पाइक अल्टरनेट डे, एक दिन छोड़ के एक दिन बुखार आना, एक दिन छोड़ के एक दिन बुखार आना, और वही क्वार्टन्स का मतलब होता है फीवर स्पाइक एवरी थर्ड डे, हर 3 दिन के बाद बुखार आना, हर 3 दिन के बाद बुखार आना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ये किस होता है प्लाज्मोडियम मलेरी। देखिए प्लाज्मोडियम वन ऑफ द पैरासाइट आर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज दैट इज अ मलेरिया। 4 कॉज होते हैं डिफरेंट, प्लाज्मोडियम ओली पढ़ते हैं, फाल्सिफेरम पढ़ते हैं, मलेरी पढ़ते हैं, अलग अलग कॉज होता है। ये दोनों एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिए कि ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, दोनों कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं। तो फटाफट यहाँ पर 3 से 4 एमसीक्यू आपने देखा, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिमिटेंट फीवर है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर रिमिटेंट फीवर है, और रिमिटेंट फीवर का मीनिंग मैंने आपको क्लियरली बताया, रिमिटेंट का मतलब होता है सुबह और शाम के टेम्परेचर के वेरिएशन में 2 डिग्री से ज्यादा। कंटिन्यूस और कॉन्स्टेंट का मतलब है सुबह और शाम के दोनों के वेरिएशन में 2 डिग्री से कम। यहां पर कोई दिक्कत और क्वेरी नहीं होगा, आई होप कोई दिक्कत और क्वेरी नहीं होगा। हम फर्दर एमसीक्यू की तरफ जाते हैं, हम फर्दर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा। वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस पल्स, हम क्या स्टार्ट करने वाले बच्चों, पल्स जिसको हम क्या बोलते हैं नाड़ी। देखिए नेक्स्ट हम टीपीआर बीपी पढ़ रहे हैं। यहां पर नेक्स्ट अपना स्टार्ट होगा पल्स, इसको हम कल पढ़ेंगे। तो अभी तक की जो लास्ट
टू आवर की खूबसूरत जर्नी आप लोगों के साथ थी, बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही उमदा थी। एक शिकायत आपसे करता हुआ जा रहा हूं, लोगो नहीं लगाया, मैंने बार बार समझाया, फिर मिलेंगे कल एक नई एनर्जी के साथ, एक नई क्लास के साथ। और मैं वादा करता हूं आपको, आपकी हर उस कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन को हम टच करते हुए चलेंगे जो आने वाले 2020 नॉर्थ सेट में आएगा, क्योंकि जिद, ये जिद आपकी भी है और ये जिद JINC की भी है। हमें सिलेक्शन चाहिए और उस सिलेक्शन तक जाने के लिए जितनी भी मेहनत, जितना भी संघर्ष हमें करना पड़े, हम उसको जरूर करेंगे। आप लोग क्लियरली देख रहे होंगे कि आपका परिवार, आपकी टीम JINC लगातार हार्डवर्क के साथ एक से बढ़ के एक नई नई चीजों को लेकर आपके सामने आ रहा है। वक्त कम बचा है, क्वांटिटेटिव स्टडी हम करेंगे, क्वालिटेटिव स्टडी हम करेंगे, तो सिलेक्शन होना पक्का है, सिलेक्शन होना तय है। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, आपका परिवार खड़ा आपके साथ, JINC आपके साथ है। माइंड को फ्री रखना, रिलैक्स होके पढ़ना, और कल सुबह ठीक 9 बजे एक और नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।